नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी का हाथ उठा कर बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 घर जोर कर बोलो हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सतस्त्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी कवि जत्था जो को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोग का बहुत बहुत ही बढ़िया दिन क्योंकि ये श्रीमद भागवत कथा श्रवण करने के लिए हम लोग ने यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लब्धम। बोले ये भागवत कथा सुनने का सौभाग्य कब उदय होता है? बोले एक जन्म नहीं बहुत जन्म समर्जित है। जब करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हो तभी ये भागवत कथा सुनने का हमें मौका मिलता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ये भागवत कथा की इतने दुर्लभता है। बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमृता। यदि तात्पर्य है कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी ये भागवत कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलती। हम आगे सुनेंगे जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुनाने जा रहे थे इतने में स्वर्ग से 33 करोड़ देवता जिन जिन देवता को हम घर में पूजा करते हैं वो 33 करोड़ देवता स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को क्यों कथा सुनाने जा रहे हो? बोले इनको ऋषि ने अभिशाप दिया है सप्तम दिवस में तक्षक दंशन करेगा। बोले हम स्वर्ग से अमृत कलश लेकर लो ये पूरा के पूरा अमृत कलश ले लो और ये परीक्षित को पिला दो ये अमर हो जाएगा। लेकिन ये जो श्रीमद भागवत कथा हम लोग को सुना दो। लेकिन देखो भागवत कथा की कितने महत्व है। सुखदेव गोस्वामी कहते भागवत कथा तुम्हें पता है भागवत कथा है क्या चीज? तो वो एक उदाहरण देकर समझाई। बोले को काच को मणिर महान। अगर कोई व्यक्ति कोई टूटे फूटे कांच ला करके बोले ये कांच ले लो आपको पास में जो मणि वो मणि दे दो अब दे दोगे? बोले भागवत कथा है। कहती ये क्या चीज भागवत कथा? कहती ये भागवत नहीं बोले तेन अयं भांतमयी मूर्ति भगवान कृष्ण स्वयं ये सप्त ब्रह्म रूप में ये भागवत रूप लिया है। इसलिए जिस समय कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे वहां पर उद्धव भी थे। बोले हे प्रभु आप तो ये संसार छोड़ करके जा रहे हो। बोले हाँ। बोले अभी मैं किसका आश्रय लूं? हम तो सारा जीवन एक साथ में रहे खाए पिए खेले आप तो जा रहे हो अभी मैं किसका आश्रय लूं? स्वयं कृष्ण कह रहे हैं बोले उद्धव एक स्वरूप में तो ये संसार छोड़ करके जा रहा हूं लेकिन दूसरे स्वरूप में रह भी रहा। बोले प्रभु कलयुग में आप किस रूप में रहोगे?
बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ये ग्रंथ रूप में ये कलियुग में मैं विद्यमान रहूंगा। जो व्यक्ति ये कलियुग में ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेगा, भागवत कथा सुनने नहीं साक्षात श्री वाक्यव्यास जी से मिलना है। इसलिए पद्म पुराण में बताए बोले पादो जदियो प्रथम द्वितीय, बोले भागवत में द्वादश स्कंध है, ये 12 खंड है, प्रथम द्वितीय स्कंध ठाकुर जी के 2 चरण है, तृतीय चतुर्थ स्कंध ठाकुर जी के 2 गुरु है, पंचम स्कंध भगवान के नाभि कमल, षष्ठ सप्तम स्कंध ठाकुर के 2 भुजा है, अष्टम स्कंध ठाकुर जी की बक्ष स्थल, नवम स्कंध कृष्ण के कंठ, दशम स्कंध भगवान के मुखारविंद, एकादश स्कंध ठाकुर जी का ललाट और द्वादश स्कंध ठाकुर जी का सर। बोले ये श्रीमद् भागवत नहीं, कृष्ण स्वयं कलियुग में जीव की कल्याण करने के लिए ये भागवत ग्रंथ रूप में स्वयं ठाकुर जी ही साक्षात रूप में प्रकट हुए। बोले हे उद्धव, कलियुग में जो व्यक्ति ये भागवत कथा श्रवण करेगा, कदि भागवत है क्या चीज, बोले कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि विषय, जब भगवान ये संसार छोड़कर चले गए बोले घोर कलियुग आ गया। लेकिन ये कलियुग को प्रकाश करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं कहते जैसे सूरज उदय होने पर सारे अंधकार दूरीभूत हो जाता है, बोले ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी सूर्य उदय होने पर जीव का हृदय में जितने अज्ञान रूपी अंधकार है तो सब दूर हो जाए ये भागवत कथा श्रवण करने पर। इसलिए बोले यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये भागवत नहीं ये स्वयं कृष्ण है। कहा भगवान बांके बिहारी को साथ में ये तुच्छ अमृत को तुम तुलना दे रहे हो, अमृत पीने से क्या होता है बोलो, स्वर्ग में अमृत पीते हैं सबसे बड़े कौन है, इंद्र है ना। इसी जगत में जब कोई तपस्या करना शुरू करते ना पहले उसकी हालत खराब हो जाता है, सबसे पहले उसकी आसन ही टगमगाने लग जाता है, पता नहीं कितना बार तो स्वर बना इंद्र, कितना बार जाकर कहीं छुपा उसने है, कितना बार उसकी पतन हुई है। इसलिए स्वर्ग अमृत पीने से कब तक स्वर्ग में रहेगा, बोले जावत पुण्य न समाप्त, जब तक उसकी पुण्य खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये स्वर्ग में रहेगा, लेकिन पुण्य खत्म होते ही इसी जगत में धक्का मार कर गिरा दे। और स्वर्ग अमृत पान करने से क्या होता है, उनकी जीवन में उन्मत्तता अहंकार अभिमान आती है, लेकिन ये भागवत कथा रूपी अमृत पीने से महाप्रभु कहते हैं त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहि सुनुना अमानीना अमान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये भागवत कथा अमृत पीने से जीव के हृदय में है दीनता दया ये भावना आती है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते को काच को महिन मान, इसका मतलब है सुखदेव गोस्वामी इनको खदेड़ दिया वहां से, कथा नहीं सुन सको तो भाग जाओ यहाँ से भाग जाओ। तात्पर्य है स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी जीव को जो सौभाग्य प्राप्त नहीं ये सौभाग्य आज हमें मिला है। मतलब क्या, हम देवता से भी बड़े मानते हुए चीज मानते हुए चीज को जो कथा सुनते हैं वो देवता से भी बड़े हो। स्वर्ग में ऐसे कोई काम नहीं, स्वर्ग में तो जा सकते हो लेकिन इस स्वर्ग में ऐसे कोई काम नहीं जो करके फिर तुम इंसान जीवन पा सकते हो, स्वर्ग में ऐसे कोई काम नहीं। पुण्य समाप्त होने का बाद पता नहीं कौन सा योनि में जाओ हैं, और विशेष करके भारत भूमि में जन्म लेना और यहाँ पर सनातन धर्म में जन्म ग्रहण करना, एकादश स्कंध में कहते हैं देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हे प्रभु हमें भारत में हिंदू घर में सनातन धर्म में हमें जन्म दो, लेकिन ये सौभाग्य देवता को भी नहीं होता है। और कौन सा युग में, बोले कली युग में, बोले क्यों, बोले कली युग में श्री चैतन्य महाप्रभु, ये कली युग साधारण कली युग नहीं,
ये धन्य कलयुग है, जिस कलयुग में स्वयं सच्चिदानंद गौरव हरि कृष्ण स्वयं राधा जी के भाव अंगदान से लेकर के ये कलयुग में श्री महाप्रभु रूप में आए। इसलिए ये कलयुग साधारण जन्म नहीं है। इसलिए लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, ये कथा तो स्वर्ग में है ही नहीं, लेकिन स्वर्ग के सत्य च कैलासे, कहते सत्यलोक, सत्यलोक इसको कहते हैं जहां पर पितामह ब्रह्मा रहते हैं, जैसे भूर भुग मोह जन तप और सत्य, ये ब्रह्मांड का सबसे जो ऊंचा लोक है इसको सत्यलोक कहते हैं, जहां पर पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं। बोले भैया ब्रह्मलोक में जन्म लेने पर भी ये सौभाग्य नहीं मिलता है, ये भागवत कथा सुनने का। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, ये रामचरितमानस में भी बताए, बोले कथा है तो भेदे भावना बिहाई, कथा है तो भेदे भावना बिहाई, कथा है तो भेदे भावना बिहाई, कथा है तो अब लोग कितने दूर से कथा सुनने के लिए आए बताओ तो, कितने कितने किलोमीटर से कथा सुनने के लिए आए? एक किलोमीटर माता जी तो चार किलोमीटर से आए, और कोई दो किलोमीटर, कोई तीन किलोमीटर, पांच किलो, छह किलो, हजार किलोमीटर, कितने इससे ज्यादा कोई दूर से नहीं आए। लेकिन ब्रह्मा कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक में। आप सोच नहीं सकते यहाँ से कितने दूर है, स्वर्ग से छह लोग ऊपर रहते हैं। लेकिन अगर ब्रह्मा जी को, अगर ब्रह्माणी को कहीं पता चले कि भागवत कथा हो रही है, ये ब्रह्मलोक को छोड़कर कथा सुनने के लिए करोड़ों करोड़ों किलोमीटर से कथा सुनने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं। बोले कैसे? बोले धाई, धाई मतलब दौड़ दौड़ करके। हम दौड़ दौड़ कर कहाँ जाता है? जाता माल जाता है। अगर जाता माल मिले ना, रात भर सोना क्यों नहीं पड़े, पता चले भैया आज अगर रात जगूंगा लाख रुपया प्रॉफिट होगी, फिर तो रात भर तीन भर जग रहेगी है। लेकिन ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक से दौड़ दौड़ करके आते हैं। बोले क्यों? उनको पता है ये भागवत कथा से हमें जितने लाभ मिलेगी, और किसी चीज में इतने लाभ नहीं, कोई भी बिजनेस हो, हर किसी बिजनेस से भले घटा ही हो सकती है, लेकिन भागवत कथा से भागवत भक्ति में कभी अभी तक घटे नहीं कोई, जो सुने ना वो फलते फूलते रहे। इसलिए मीरा कहती है, दिन दिन बढ़ता सब आयो आयो जी मैंने राम रतन धन पाय। इसलिए भक्ति कभी घटेगी नहीं, भक्ति बढ़ करके प्रकट होती है। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक से पत्नी को साथ में अकेले नहीं आती है, ब्रह्मा अकेले नहीं आते हैं। सुनी वत सारदे, अपना पत्नी सारदा को साथ में, कहते सारदे जल्दी जल्दी तैयारी हो। क्यों? पुरुष लोग तो एक प्यांट कुर्ता पहन लिया चलो, लेकिन माताओं को साड़ी पहनना, सजना धजना, उनके लिए समय लगता है। बोले पहले सज धज कर बैठना, ऐसे नहीं जो कथा सुनने के लिए मेरी तैयारी हो गया। बोले अभी तो साड़ी में जो पहना है, जब बिंदी तो लगाई, इसलिए पहले से श्रृंगार करके बैठ रहना। इसलिए ब्रह्मा जी अपना ब्रह्माणी को साथ में कथा सुनने के लिए आते हैं। कहते भैया ये ब्रह्मलोक को छोड़ दो, ये ब्रह्मलोक में तो कथा है ही नहीं। कहते कैलासे, कैलास कहाँ है? कहते ब्रह्मलोक से ऊपर बिरज आने, कहते ये बिरज का ऊपर में श्री शंकर जी का लोक है, ये ब्रह्मांड से बाहर श्री शिव लोक है, जहाँ शंकर जी पार्वती को साथ में रहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भैया कैलाश में भी कथा नहीं, इसलिए गोस्वामी जिसकी उदाहरण देते हैं, अब उदाहरण देते हैं, एक बार त्रेधया जोग मानी, एक बार त्रेधया जोग मानी, एक बार त्रेधया जोग दोनों कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के पास में आए। बोले अगस्त ऋषि कहाँ रहते थे? बोले नर्मदा नदी किनारा में इनके आश्रम में। कहाँ से आए? कैलाश लोग से। नर्मदा नदी कहाँ पर है? हमारे भारत में। वहीं पर अगस्त ऋषि के आश्रम में जब कथा सुनने आए, अभी कथा की विश्राम हो गई, अभी लौट रहे थे, इतने में रावण ने सीता को उठा कर ले लिया। भगवान राम और लक्ष्मण हा सीते करके लता पता सबको पूछ रहे थे, मेरी सीता को कहीं देखे हो। कथा सुनने का फल क्या? फल है ठाकुर का दर्शन हो गया। अभी मैंने कथा सुनकर निकलते ठाकुर का दर्शन हो गया। शंकर तो प्रेम में गतिगत हो गए, आज मेरे जीवन धन्य हो गया है, जिनकी हमने कथा सुनी है आज उनके हमारी दर्शन हो गए, तो भाग्य जग गया है। इसलिए शंकर जी ने देखा, देखो प्रभु जी कितने प्यारे लीला करते हैं, जो घटघट वासी है सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन देखो दुनिया को सिखाने के लिए प्रभु क्या लीला कर रहे हैं। दुनिया को सिखाने के लिए हा सीते सीता थोड़ी उनको कोई अलग हुई है, सीता तो इनके अंदर में ही, क्योंकि शक्ति शक्तिर्मत अलग अभेद है, भगवान से कहीं शक्ति अलग है नहीं, वो एक ही है, हैं? लेकिन अभी तो अग्नि को पास में सीता को उन्होंने शरण में दे दिया, ये नकली सीता थी। इसलिए प्रभु देखो कैसे प्रभु लीला कर रहे हैं, दुनिया क्या सीखा देते हैं। भैया स्त्रियों में आसक्ति हो गई ना, ऐसे ही दुख कष्ट हो गया, इसलिए ठाकुर जी ये सीता दे रहे थे। इतने में शंकर जी दूर से प्रणाम किए, सती साथ में थी, बोले प्रभु किसको प्रणाम कर रहे हो? जो परम परम पराग पर तत्व श्री राम की कथा सुनाते हो, क्या उनकी प्रणाम कर रहे हो? बोले हाँ। बोले तो एक बात मेरे को पता है, रावण नकली सीता को उठा करके ले गया, अभी वो अशोक वाटिका में, अगर ये परम ब्रह्म पराग पर तत्व होते तो क्या इतनी सी बात उनको बताई नहीं? शंकर जी समझाने के लिए कोशिश की, सती बलि में लिख पड़ी हूँ, ऐसे समझ जाऊंगी। देखो आप दुनिया को समझा दो, लेकिन ऐसे पांच प है ना, उनको नहीं समझा सकते। जानते हो पांच प कौन? पहला नंबर पत्नी। देखना पति का बात सारा दुनिया सुने, पत्नी नहीं सुनती। बोले यार इनको ही मैं समझाती रहती हूँ, कितने ही गलती करते रहते हैं। देखना पत्नी को आप समझा नहीं सकती हो। दूसरा प है पुत्री, सारा दुनिया को पढ़ाओ कि करो, लेकिन पुत्री बात नहीं सुनती है। तीसरा प है पुत्र, चौथा प है परिवार। आप देखना सारा दुनिया में तुम्हारी इज्जत, परिवार में कोई इज्जत नहीं। और पंचवा प है ना पड़ोसी, दुनिया में देखना तुम्हारे मित्र था, पड़ोस में तो बोले रहा है। इसलिए शंकर जी कोशिश की, बोले मैं लिखी बड़ी हूँ, ऐसी थोड़ी समझ जाऊंगी, मैं तो परीक्षा करूँ। बोले परीक्षा कर ही लो। उन्होंने सीता माता सीता की रूप धारण करते हुए उन्होंने परीक्षा की, और जब उनको पता चला भगवान शंकर जी ने उनको त्याग देते हैं, अपना पत्नी रूप में त्याग देते हैं, क्योंकि प्रभु का प्रति इनकी शंका हो गई। और गुरु कौन है?
शंकर जी। हाँ देखो यहाँ से क्या कहते हैं भैया गुरु जी का प्रति, अगर गुरु जी सही सही सत परंपरा में आए, शुद्ध परंपरा में आए ना, तभी उनको प्रति शंका नहीं करनी चाहिए। और ठाकुर जी का प्रति भी शंका मत करो। और लास्ट में परिणाम क्या हुआ, सत्य को शरीर त्याग देना पड़ा। ये शंका पति पत्नी में भी शंका नहीं होनी चाहिए है। और शंका अगर हो गया ना मेरा डाइवोर्स पर चली जाती है, लीला डाइवोर्स पर चली जाती है। इसलिए सावधान कर देते हैं भैया शंका को मत किया करो है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं शंकर जी कथा सुनने के लिए कहाँ से आते हैं, शंकर जी कथा सुनने के लिए कैलाश से कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भैया कैलाश की बात पढ़ो। बोले वैकुंठ नास्ते रस, कहते ये वैकुंठ में भी रस नहीं है। ये भक्ति जो रस है ना, भगवान राधा कृष्ण की जो प्रेम रस कथा, बोले भैया वैकुंठ में भी नहीं है, है? तब गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, बोले काया ओ गरुड़ जहाँ बस ए भुसोंडा, काया ओ गरुड़ जहाँ बस ए भुसोंडा, काया ओ गरुड़ जहाँ बस ए भुसोंडा, अति भगवतीय जगत में आते हैं, जहां पर काक घुस बैठ करके
ये प्रभु की कथा सुनाया करते हैं। देखो जो व्यक्ति भगवत कथा सुनते हैं इनकी सौभाग्य बता रहे हैं। जो कथा स्वर्ग में भी नहीं, जो कथा ब्रह्मलोक में भी नहीं, जो कथा वैकुंठ लोक में भी नहीं, वो कथा कहाँ है? कहाँ पर? कहाँ पर? लखनऊ में। ये लखनऊ में। इसलिए देवता को देवलोक छोड़ना पड़ा, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक छोड़ना पड़ा और श्री गरुड़ जी को वैकुंठ लोक छोड़ना पड़ा। लेकिन लखनऊ वासी को कुछ छोड़ना पड़ा? बोलो, हम लोगों को छोड़ना पड़ा? नहीं। ये कथा रूपी गंगा स्वयं वृंदावन से बहते बहते और हमारे घर दरवाजे को सामने आ गई और हम घर में बैठी बैठी करके कथा वृत्तों में हम गोता लगा लिए। इसका तात्पर्य है हम लोग बड़ी सौभाग्यवान हैं जो हम बैठ करके ये भगवत कथा भागवत कथा हम श्रवण करेंगे। इसलिए देखो हम कलयुग का जी करना थे, कोई काम करने से पहले ना सोचे कि भैया उसमें प्रॉफिट क्या, कितना माल मिलेगा। सबसे पहले ही सोचते ना भैया हम ये दो दो घंटा क्यों देंगे, ये तीन तीन घंटा कथा क्यों सुनेंगे। अगर यही समय को अगर हम और कहीं देते तो कुछ ना कुछ तो लाभ होता, प्रॉफिट होता, क्यों बेकार समय को गवाएंगे। तो भागवत में ये ब्रज गोपियां राधा रानी स्वयं कहती हैं भैया ये कथा से तुमको जितने प्रॉफिट मिलेगा ना दुनिया में और किसी बिजनेस में तुम्हें इतने लाभ नहीं मिले। इसलिए राधा रानी स्वयं कहती हैं, बोले कब कहती हैं, जब श्री भगवान रासलीला कर रहे थे, रासलीला करते करते राधा रानी ने एक सुंदर फूलों की माला बनाई। वो माला कैसे थी? बोले बिना धागा की। ऐसे कुछ फूल होते हैं वो धागा की जरूरत नहीं, वो बिना धागा से फूलों की माला बन जाती है। बड़ी सुंदर माला बना करके उन्होंने श्री श्याम सुंदर को पहना है। अभी श्याम सुंदर सोच रहे हैं गले में तो माला पहना दी राधा रानी, लेकिन राधा रानी से मिलने के लिए बाधक है। इसलिए उन्होंने क्या क्या गला से माला को उतारे और एक पेड़ उन्होंने लटका दी। इतने में एक तोता थी, वो तोता ने क्या की वो माला को अपना चोंच में पकड़ करके आकाश में उड़ते हुए जा रहा था। इतने में एक चंद्रावली कृष्ण की जो सर्वश्रेष्ठ दो सखी, एक राधा रानी और एक चंद्रावली, दोनों एंटी बाकी हैं। इसलिए चंद्रावली ने वो फूल की माला को देखा, बोले भैया ये तो कृष्ण की गोविंद की प्रसाद माला है। इन्होंने अनार की दाना दिखा करके बोले तोता इधर आ जा, अनार की दाना खिलाऊंगी। और उन्होंने बुलाया और अनार की दाना खिला करके वो प्रसाद माला को ले ली, लेकर अपना चोटी में ये चंद्रावली ने अपना चोटी में बड़े सुंदर श्रृंगार कर दी। थोड़ी देर बाद में ललिता देखती है ये माला तो राधा रानी बना करके गोविंद को पहना थी, पर ये माला चंद्रावली की चोटी में कैसे आ गई। बोले हे राधे ये श्याम सुंदर को तो प्रेम करना आता ही नहीं, तुमने कितने प्यार से माला पहना है, देखो माला कहाँ पर है, हैं? इतने में राधा रानी मान करके रास को त्याग दे देती है। श्याम सुंदर श्री राधा रानी को मनाने के लिए फिर उनको साथ में चले जाते। बड़े सुंदर एक श्री बट वृक्ष के नीचे राधा रानी को सुंदर फूलों की माला से श्याम सुंदर श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करते गोपियां जब आ जाती हैं, इतने में कृष्ण कहते राधे जल्दी जल्दी यहाँ से चल पड़ो, क्योंकि अगर दूसरा गोपियां देखे तो वो भी तो मान करेगी, फिर महाराज नहीं हो सकती है। राधा रानी माने मर जाती है, तो मैं चले नहीं सकती हूँ, जैसे उठा कर लाए वैसे ले चलो। बोले क्या कंधे में बैठोगे? बोले बैठा लो। इतने में कृष्ण भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और राधा रानी वहीं पर बेहोश हो गई। गोपियां उनको होश दिलाई, बोले देखो कृष्ण को उनका भजन सबसे प्यारा है, उनकी कथा उनकी कीर्तन भगवान को सबसे प्यारा, चलो हम यमुना किनारा में बैठ करके कीर्तन गावेगी। तब उन्होंने जो कीर्तन किया ना उसका नाम गोपी गीत है। यदि गोपी गीत का अंदर में राधा रानी स्वयं कहती है अगर ये कथा को कोई सुनेगा तो उसको क्या लाभ, राधा रानी 7 लाभ बताए अगर कोई कथा को सुनेगा। आज मैं 7 लाभ बताऊंगा। देखो ये पहला दिन है ना, लोग सोचते हैं ना क्यों इतना दिन कथा सुने और तीन तीन चार चार इकट्ठा सुनाए, इसलिए आज कोशिश करेंगे जितने कथा की महिमा को सुनने के लिए।
फिर तो आप लोग रोज आओगे, इसलिए आपकी कथा को सबके सुन याद करना। आज मैं सुनाऊंगा, कल मैं आपसे सुनूंगा, जो बोल देगा ना साथ, क्या कथा सुनने का लाभ, मैं उसको बड़ा सुंदर इनाम दूंगा। इसलिए आज मैं सुनाऊंगा, कल मेरे को आपको सुनाना, देखना मेरे को सुना बात है, ठीक है ना। अच्छे तरह से मन लगा कर सुनो, आप भी कथा सुनोगे ना, ये कथा आप भी दूसरों को सुना सकते हो। चैतन्य महाप्रभु यही किया है, कहते मैं जो भक्ति रस दे रहा हूँ तुम लोग इसको आगे बढ़ाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। देखो महाप्रभु नवद्वीप में ये भक्ति बीज को बोए, लेकिन वो बैठते बैठते केवल भारत नहीं, ये जो महापुरुष बैठे हैं इन्हीं को द्वारा उन्होंने संपूर्ण विश्व में ये महाप्रभु की धारा उन्होंने प्रचार की। ये महापुरुष है, महापुरुष का भविष्यवाणी की, पृथ्वी के आचिजात नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार नहीं वरना, एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण पृथ्वी में गली गलियों में शहर शहर में मेरा नाम कुंज उठेगा। ये महाप्रभु का भविष्यवाणी, लेकिन वो भविष्यवाणी यद्यपि महाप्रभु जिसको द्वारा जितने करवाए करवाए, लेकिन जो महापुरुष बैठे हैं ये महापुरुष को द्वारा इन्होंने जो काम कराए आप सोच नहीं सकते, इन्होंने जो काम किया संपूर्ण विश्व में जो महाप्रभु का वाणी प्रचार हो रही, इसी महाप्रभु को द्वारा महाप्रभु ने ये काम कराया। और उसका भी एक टहनिया यहाँ पर भी आ गई, देखो महाराज जी यहाँ पर बैठे हैं, महाराज जी यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर भी कुछ भक्त लोग माला जप कर रहे हो, गले में कंठी तिलक आप बैठे हो, किसकी कारण है? ये महापुरुष का कारण है, ये महापुरुष कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, ये महापुरुष का सत्यावेश अवतार है इन्होंने, हैं? इसलिए सत्यावेश अवतार है, इसलिए ये महापुरुष बहुत बड़े काम उन्होंने किया है। इसलिए आप लोग भी कथा को सुना, और कथा को अगर कोई बढ़िया टिकी कोई हो ना पढ़ता हो, अगर एक बार खाओ ना सबको बोलो भैया हम लोग क्या बड़ी टिकिया है टिकी, चलो वहां पर खाएंगे। इसी तरह अगर भक्ति रस को आप पान करोगे दूसरों को भी तो बोलनी चाहिए ना, कोई बढ़िया चीज खाओगे दूसरों को भी बोलोगे ना, हैं? इसलिए अच्छे तरह से कथा को सुनो, और हो सकता है कि नोटबुक लेकर के ना रोज कलम पेन में नोट करना, नोट करके सारी कथा को लेकर चलो, और अड़ोसी पड़ोसियों को भी खुद खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। इसलिए वो गोपी गीत गाती गाती राधा रानी कहती है, बोले तब कथा मृका अमृत है। एक नीति शास्त्र के ग्रंथ है, कहते अमृत इसे मरते जगत में चार जगह पर बताए, बोले कहां कहां पर, बोले अभव विधव बधुमुखे हरिनाम निवास। पहला अमृत समुद्र में, क्योंकि जो देवता दैत्य मिलकर के समुद्र में थे कि वहां से अमृत निकला, लेकिन वैष्णव जन कहते हैं भैया वहां भी असली अमृत नहीं, अगर अमृत होता तो समुद्र का पानी इतना नमकीन खारी नहीं होती, वो तो पूरा पूरा मिठाई होता है ना, इसलिए वहां भी अमृत नहीं। बोले दूसरा अमृत कहां पर, बोले चंद्रमा। अब देखो दिन भर काम करते करते हम थक जाते हैं, रात को सो सवेरे उठना फिर शरीर में चुस्ती कहां से आती है, ये चंद्रमा से अमृत निकलती है। आप लोगों को पता होगा साल में एक बार चंद्रमा आती है, छत के ऊपर खीर बना कर रखते है ना, रखते है ना, चंद्रमा का अमृत निकलेगा उससे दिखाओ, इसलिए कहते वहां अमृत है। लेकिन भक्त जन कहते हैं भैया वहां भी असली अमृत नहीं, बोले क्यों, अगर अमृत होता तो ये पूर्णिमा का तो पूर्ण चंद्र प्रथमा द्वितीय करते करते ना अमावस्या को खाए खत्म, अगर वो अमृत होता तो खाए क्यों हो रहा है, वो पूरा का पूरा ये रहता है ना, इसलिए असली अमृत वहां भी नहीं।
बोले तीसरा अमृत कहाँ पर है? बोले बधुमुखे। बधुमुखे मतलब कि तो माताओं की अधरा अमृत अमृत है, अधरा अमृत कहते हैं। लेकिन जिस अमृत को पति पान करता है, कहते भैया वहां भी अमृत नहीं। बोले क्यों? अगर वहां अमृत होता तो फिर पति मरता क्यों? पत्नी से पहले पति का ही राम नाम सत्य हो जाता है, फिर वो मरता क्यों? वो तो अमृत अमर बन करके रहता। बोले वहां भी असली अमृत नहीं। बोले चौथा जगह में कहां पर अमृत है? बोले हरिनाम निवास है। कहते जहां पर ये सर्प रहता है कहते वहां पर बोले अमृत है। बोले वहां भी नहीं, क्योंकि गरुड़ात त्रासा, ये गरुड़ से डरता है ये सर्प, सर्प को ये गरुड़ खा जाता है, इसलिए कहते भैया वहां भी असली अमृत नहीं। बोले भैया सब जगह नहीं 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 करते, फिर अमृत कहां पर? बोले स्वर्ग में अमृत है। बोले भैया वहां भी अमृत नहीं। बोले क्यों? कहते उनका पुण्य खत्म होने पर उनको भी गिरना पड़ता है, इसलिए स्वर्ग में भी अमृत नहीं। फिर जो पंचमा अमृत, जो छठवा अमृत बताया मुक्ति, ये मुक्ति को भी एक अमृत मानी गई, मुक्ति अमृत है। कहते भक्त लोग भगवान कहते हैं दीयमान अपि न गृह्णति मत सेवक मत सेवनो बिना। अगर मैं अपना भक्तों को अगर ये मुक्ति देना चाहता हूँ, मेरे भक्त लोग अमृत ये मुक्ति को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए भागवत में आता है तत्व पतंति अथ अनादृत जिस्मद अंग्रह। कहते ज्ञानी लोग बड़े कष्ट करके क्या प्राप्त करते? मुक्ति धाम को प्राप्त करते हैं, लेकिन ठाकुर जी की चरण को अनादर करने का नाते उनको भी मुक्ति लोग से उनका भी पतन होता है। बोले भैया सब जगह में ना 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 कर दिए, पर सही अमृत कहाँ है? बोले अमृत केवल एक जगह में मिलेगा। बोले कहाँ? बोले सुधा बहती कंठे भगवत जहाना। तो अमृत केवल एक जगह पर है, जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनकी कंठ में ही केवल। मतलब अमृत कहाँ पर है? बोले तब कथा मृत ताप्त जीवना कभी विरीडितमसाप। इसलिए राधा रानी कहती हैं अमृत केवल तुम्हारी कथा में ही असली अमृत। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं। उनको अभिशाप दी ना श्रृंगेरी ऋषि ने, बोले कोई जाग यज्ञ तपस्या कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल बैठो केवल कथा सुनो, केवल कथा मृत को पान करो। ये कथा श्रवण करते करते जब तक तुम्हारी ये अनुभूति नहीं हो जाएगी मैं भगवत धाम को प्राप्त कर लिया, तब तक मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, केवल बैठो कथा सुनो। और उन्होंने केवल कथा सुनते 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 जब कथा की विश्राम हो गया, गोलोक वृंदावन से एक सुंदर रथ आया और बड़े उन्होंने एक सुंदर राधा रानी की सखी गोपी के रूप धारण करते हुए उन्होंने सीधा ठाकुर जी के पास में चले गए, भगवत लोग में चले गए। इसलिए ब्रह्मा जी को जब पता चला भैया इन्होंने कुछ भी नहीं की, केवल कथा ही तो सुने और तो कुछ किया ही नहीं, और सीधा कहाँ चले गए? सीधा ठाकुर जी के पास में चले गए। इसलिए भैया कथा सुनने का पहला लाभ क्या है? ये कथा नहीं अमृत है, असली अमृत ये कथा अमृतम। इसलिए भागवत का एक नाम है अमर कथा। क्या क्या कथा है? इसलिए शंकर जी सर्वप्रथम माता पार्वती को यही कथा अमरनाथ सुनाए। अब लोग कहीं गए हो अमरनाथ? कौन कौन गए हाथ उठाओ तो। एक माता की अमरनाथ बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक माता तो निकली। इसलिए आप अगर गए होंगे देखे होंगे अभी हाँ इसलिए वहां पर अभी भी वो स्थान है शंकर जी जहां पर माता पार्वती को बैठा कर कथा सुनाए थे ना, अभी भी वो स्थान विद्यमान है। देखो इसकी थोड़ी स्टोरी सुनो। इसलिए एक समय शंकर जी गए थे सत्संग में, और इतने में श्री नारद जी आए कैलाश में। माता पार्वती बड़ी स्वागत की, अभ्यर्थना की, बोले माता कुशल मंगल है ना? बोले मैं बड़ा कुशल मंगल हूँ। क्यों? बोले वही स्त्री सुहागिनी जिसको पति प्रेम करते हैं,
बोले कैसे प्रेम करते हैं, बोले कहीं से अगर ये कथा सुनकर के आते हैं सबसे पहले कथा मेरे को सुनाते। आपको पता है नारद जी, हम कभी कभी कहते ना तो क्या नारद जी क्या काम कर रहे, हम कभी बोलते ना इनका नाम जगत में बड़ा बदनाम है, क्यों कहते नारद जी क्या क्या काम कर रहे, मतलब क्या लड़ाई झगड़ा का काम करवा रहे। इतने में नारद जी ये भागवत का महिमा को, भागवत को प्रकाश करने के लिए, क्यों नारद जी भगवान के सबसे प्यारे भक्त है, इनके बगैर ठाकुर का कोई लीला ही नहीं है। कोई लीला देखो भाई, रामायण देखो भागवत देखो, सबसे पहले नारद है। इसी का नाम नारद, नर मतलब होता है रस, द मतलब सबको जो रस देते हैं, नर मतलब होता है ज्ञान, सबको जो ज्ञान प्रदान करते हैं, हैं? नर मतलब होता है आस्ति, द मतलब खंडयति, संसार के बंधन का जो खंडन कर देते हैं, ये नारद बाबा। इनकी संग हो गया ना बड़ा पारी हमारी है, इनके बगैर जिनका कभी कल्याण हो ही नहीं। इसलिए नारद जी यदि भागवत ग्रंथ को प्रकाश करवाना चाह रहे थे, इतने में नारद जी बोले माता जी आपके विषय में सोच करके बड़े बड़ा तकलीफ होता है। बोले क्यों, बोले छोड़ो ना बोल कर क्या होगा, लेकिन मेरे को बड़ा कष्ट होता है आपकी बारे में सोच करके। अगर माताओं का अगर आधी बात सुना दिया ना बास हो गया, पति अगर बोल दिया अरे बोल कर क्या होगा, छोड़ो ना बात ना फोन को बोले फोन, मैं तो आपको कुछ लगती नहीं, आपको क्यों मेरे को बोलोगे, आप तो दुनिया को बोलते रहते। अभी पार्वती तो पीछे बढ़ गई, बोले बोलो ना बोले बोल कर क्या होगा, वो बात को छोड़ दो। लेकिन उन्होंने बोले नहीं तुम्हें बोलना पड़ेगा क्या बात। नारद जी बोले आपको पता है शंकर जी की और भी कोई पत्नी है, शंकर जी की और भी कोई पत्नी है, और भी किसको प्यार करता आपको पता है। अब देखना घर के माता है सारी चीज को सहन कर सकते, लेकिन अगर उसको पता चले मेरे पति और किसको प्रेम करते हैं, पत्नियां कभी भी ये चीज को सहन नहीं कर सकती। हर चीज की घर में सारे क्लेश को सब चुप चुप पत्नियां सहन कर लेगी, लेकिन ये चीज को कभी भी पत्नियां सहन नहीं कर सकती। बोले आप क्या बोल रहे हो, शंकर जी की दूसरी पत्नी भी है। बोले हाँ, बोले इसका प्रमाण क्या है, बोले प्रमाण है देखो जब आज शंकर जी आए ना, एक काम कर मान भवन में चले जाओ, अपना अलंकार को निकाल करके महिला वस्त्र पहन करके सो जाओ, लेकिन शंकर जी जो पूछना इनकी गले में जो मुंडे की माला है इसकी सारे रहस्य पता चल जाए। बास नारद जी बोले झगड़ा लगाए बास वहीं से बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधार हरि गोविंद जय जय राधार हरि गोविंद बल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधार हरि गोविंद जय जय राधार मन हरि गोविंद बल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। इतने में शंकर जी आ रहे थे, इतने में शंकर जी जब आ रहे थे देखा नारद जी को बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे थे। बोले नारद बाबा थोड़ा रुक जाओ, बोले आज बिजी हूँ रोक नहीं सकता हूँ। शंकर तो समझ गए कुछ लड़ाई के लगा करके नहीं आए ना, देखा तो माता पार्वती मान भवन में लेटी हुई हैं। इतने जी बात नहीं करते, जब उनको पास में गए और पार्वती के ऊपर हाथ रखे ना, पार्वती हाथ फेंक दी। बोले भैया क्या बात है, पार्वती बोले पहले में तो सोच रही थी आप तो भोले बाबा हो, अभी मेरे को पता चला आप कपटी बाबा हो। बोले क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो, बोले बोले क्या किससे जी में कुछ हो, बोले ये बताओ मुंडे की माला लगा कर रखे हो, मैंने सुना है आपको और भी कोई शादी आपने कर रखे हो, आप और भी किसी को शादी करके रखे हो, बोले गले के मुंडे की माला बताओ सही सही झूठ मत कहा करो। बोले हाँ पार्वती मैंने और भी किसको शादी करके रखी है, लेकिन और कोई नहीं तू हो। बोले मैं हूँ कैसे, बोले पूर्वज जन्म में तू सती थी, एक बार तुम्हारे जो पिता
दक्ष प्रजापति ने कभी मेरे को अपमान की, उन्होंने यज्ञ कनखल में की, मेरे आदेश नहीं लेकर तो कनखल में गई, देखा सबका यज्ञ भाग है लेकिन केवल मेरी यज्ञ भाग है। इसलिए श्रोता जितना बढ़िया होगा ना, वक्ता उतनी अच्छी अच्छी कथा वक्ता सुना सकते हैं। तेरी जैसे श्रोता दुनिया में कोई है नहीं। जब जब तुम शरीर त्याग देती हो, तेरे मुंडों को शरीर सर को मेरे गले में माला रूप में पहन लेता हूँ। पार्वती बोली, प्रभु पहले मैं सोच रही थी आप तो छोटे मोटे कपटी हो गए, अब तो सबसे बड़े कपटी आप निकले। बोले ऐसे क्यों कह रहे हो? बोले ये बताओ, आप ऐसे कौन सा जड़ी मिट्टी को पान करके रखे हो? हम मर ही नहीं रहे, मैं मरती जा रही हूँ, मरती जा रही हूँ। बोला कौन सा जड़ी मिट्टी? बोले पार्वती, और कोई जड़ी बूटी नहीं, ये श्रीमद् भागवत कथा। जब से मैंने ये कथा सुनी तब से मैंने अमरत्व की प्राप्ति की। बोले प्रभु मुझे भी सुना दो। बोले ठीक है, चलो फिर तुम्हें अमरनाथ में लेकर के बट वृक्ष को नीचे वहीं पर कथा सुनाऊंगा। बोले पार्वती ओंकार भरते रहना, मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा। शंकर जी जयकार दिए, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग जयकार नहीं थे, जय को है जोर से बोलो। देखो तो जितने जोर से प्रभु की जय देता है ना, ठाकुर का थोड़ी जय, उनका तो जय जयकार है, लेकिन उनकी जय देने से आपका ही जय होगा, सारे पाप कटेगी और हृदय में भक्ति जगेगी। जोर से बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। शंकर जी कथा की प्रारंभ की, कथा सुनाते सुनाते मैया हुंकार भर रही थी। बोले बड़ी प्यारी कथा, आगे सुनाओ आगे सुनाओ। इतने में माता पार्वती तो सो गई तो उसी वृक्ष के ऊपर में एक तोता बैठ करके कथा सुन रहा था। उसने देखा माता जी तो सो गई, अभी तो हुंकार भरना बंद हो गया, अब तो शंकर जी कथा सुनाना भी बंद कर देंगे, कथा मेरी भी अधूरी रह जाएगी। वो तोता भी हुंकार भरना शुरू कर दिया। तोता भी बड़ी प्यारी कथा, आगे की बात बताओ, उसको बाद में क्या हुआ? भोले बाबा तो आग बंद करते करके कथा सुनाते सुनाते जा रहे, जब कथा विश्राम हो गई फिर शंकर जी जय देते हैं। हरी लाल की जय। श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। पिताई गौर ब्रह्मानंदी हरि हरि बोल। इतने में मैया पार्वती जग गई। बोले उसको बाद में क्या हुआ? बोले कथा तो विश्राम हो गया। मैं तो सो गई थी। बोले सो गई गई थी, कथा सुन रही थी, अभी अभी तो हुंकार भर रही थी। बोले नहीं प्रभु, मैं सो गई थी। शंकर जी ने देखा ये कथा साधारण कथा नहीं, ये अमर कथा है, ये अमर कथा है। ये कथा को जो सुनेगा वो अमरत्व की प्राप्ति करेगी। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अगर कथा सुन करके अमर बन गया, ये जगत के लिए हानिकारक है। अब लोग गीता पढ़े होंगे, देखना जब कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाए, कृष्ण स्वयं कहते हैं अर्जुन न अभक्ताय प्रजाचर, मैंने जो तुमको ये ज्ञान की बात सुनाई ये कथा नहीं, ये स्वयं ठाकुर है। इसलिए बंगला में कहावत है, हरि कोथाय, बोले हरि कहां पर है? बोले हरि कथाय, हरि और कहीं नहीं, हरि तो केवल अपना कथा नहीं ठाकुर का विद्यमान है। कपिलदेव अपना माँ को जो ज्ञान की बात बताई अंत में यही कहते, बोले माँ मैंने जो तुमको कथा सुनाई ये कथा नहीं, मैं स्वयं हूँ, कथा रूप में मैं स्वयं हूँ। ये कथा को अभक्त को नहीं सुनाना, अभक्त को नहीं सुनाना। इसलिए शंकर जी ने देखा अगर कोई अनधिकारी व्यक्ति कथा सुन लिए फिर ये अमर बन गया, फिर क्या होगा? ये दुनिया के लिए हानिकारक है। शंकर जी ने देखा किसने ये कथा सुनी, किसने ये ब्रह्म ज्ञान को चुराया? देखा ऊपर में एक तोता बैठ करके कथा सुन रहा था। बोले दुष्ट तुमने ये कथा को सुनी, शंकर तो मारने के लिए उसको दौड़े और तोता भागते जाए, तोता भागते जाए, शंकर जी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तोता भटकते भटकते जब बद्रीनाथ पर पहुंचे, वहां पर व्यास देव भी अपना पत्नी पिटका को भी यही भागवत कथा सुना रहे थे। और मैया बिटका जैसे कभी कभी होता है ना, बड़ी प्यारी मीठी कही कथा सुनना। मैया बिटका तो धाम से मुंह खोल कर कथा सुन रही थी। इतने में तोता गया
और सूक्ष्म रूप धारण करते हुए अंदर में प्रवेश कर गया। संकट जब हफ्ते हफ्ते पहुंचे, व्यास देवजी ने पूछा, भोले बाबा कहां से आ रहे हो हफ्ते हफ्ते? बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले कि तोता ने ये अमर कथा सुन ली। बोले भैया ये अमर कथा का मतलब क्या होता है? बोले जो सुनेगा वो मरेगा नहीं। बोले सचमुच से तुम भोले ही हो। शंकर भोले बाबा है ना। भोले क्यों? भोले कौन होते? जो भक्ति करते हैं ना वही भोले होते। शंकर जी बच्चे मुखे राम नाम नाम गान त्रिपुरारी ओ वैष्णव नाम कथा संभो। शंकर जी भगवान के सबसे प्यारे भक्त है, तभी भोले। भोले तो प्रभु का भक्त ही भोले होते हैं, हर समय प्रभु की चिंतन में भोले बाबा डूबे रहते हैं। तो सचमुच से आप भोले ही हो, आप स्वयं कहते हो ये अमर कथा। तोता ने कथा सुनी कि नहीं? बोले हाँ सुनी। जब सुनी तब यो अमर हो गया कि नहीं? बोले हाँ। बोले फिर मारने के लिए पीछा कैसे कर रहे हो? बोले भैया अभी तक तो मेरे ध्यान ही नहीं रहा, मेरे ध्यान ही नहीं रहा। इतने में शंकर जी ध्यान लगा, ये तोता है कौन? क्योंकि ये जो भगवत कथा है ना सब नहीं सुन सकते हैं। ये स्वयं शंकर जी पार्वती को कहते हैं। बोले कथा कौन सुन सकते थे? बोले अति हरि कृपा जा पर हो, अति हरि कृपा जा पर हो, अति हरि कृपा जा पर हो, अति हरि कृपा जा पर हो। आपा भदे हसा रत सोई, भावते हसा कहते पार्वती ये जो भागवत कथा है कौन सुन सकता है? बोले अति हरि कृपा जा पर होई पाप दहिय संगत सोई। उसको पहले शंकर जी पार्वती को बोले पार्वती सत संगति दुर्लभ संसार। इसी संसार में ये जो भागवत कथा दुर्लभ है। इतने में पार्वती बोली प्रभु दुर्लभ कहां है? देखो हमारे अमित प्रभु और दूसरे प्रभु क्या नाम का वैभव प्रभु, भागवत कथा हो भगवान की कथा हो सब जगह में उन्होंने बैनर लगाया है और सब जगह में उन्होंने पाम्पलेट भी बंटवाए, उन्होंने लिफाफा भी बना करके घर घर में जा करके देख के आए भैया भागवत कथा होगी, आओ कथा सुनने के लिए, आओ कथा सुनने के लिए। उन्होंने बहुत परिश्रम किया है करके। कितना देर से परिश्रम कर रहे? एक महीना से। इन्होंने अब वृंदावन में गए नहीं, 15 दिन बाद में वृंदावन आते हैं, लेकिन वृंदावन इसी चक्कर में उन्होंने वृंदावन जाना छोड़ दिए। भागवत कथा इन्होंने कितने परिश्रम दो, उन्होंने जी जान लगा दी, सब घर घर में निमंत्रण दिया कथा होगी आओ कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए कौन आए? अब थोड़ी बहुत भक्त लोग आए हैं। इसलिए पार्वती कहती है प्रभु आप कहते हो सत्य संगति दुर्लभ संसार, अब सुलभ हो गया ना। अब दुर्लभ कहा सुलभ हो गया, लेकिन शंकर जी कहते पार्वती ये सब तो करेंगे लेकिन कोई नहीं आएगा। कथा उन्होंने निमंत्रण दिए करेंगे लेकिन कथा सुनने नहीं आएंगे, लेकिन किसको पता चली ये मंदिर में सलमान खान आएगा, शाहरुख खान आएगा, अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, अभी हेमा मालिनी आ रही है। आप बताओ यहाँ प्यार रखने की जगह होगी? यहाँ पर आप बताओ ये मंदिर में प्यार रखने की जगह होगी क्या? केवल हीट। उन्होंने एक महीना से उन्होंने प्रचार किया, केवल कल नहीं केवल एक घंटा पहले मैसेज चले जाए सब जगह में, यहाँ पर सलमान खान शाहरुख खान अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी आ रही है। एक घंटा पहले देखना यहाँ प्यार रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आप तो यही सरा अति कठिनाई, इसको बोलो ना भागवत कथा की। आओ पति लोग बोलेंगे पत्नी को तू चला जा, मैं सारे घर का काम निपटा करके आ जाऊंगी। बोले तू खुद निपट जाओगी काम नहीं निपटेगा। अभी तो दुनिया में किसी ने काम को निपटा है? बोलो अभी किसके काम निपटा है? देखना सामने एक समस्या आप सोचते रहे हो भैया किसी तरह से एक समस्या हल हो जाए,
भैया चैन मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में देखना और एक समस्या तो दूर नहीं हुई, दूसरे समस्या भैया ये दूसरे समस्या कैसे हल हो जाए देखना, और दूसरी समस्या कहीं नहीं समस्या दल दल मकड़ जैसे खुद जाल बना बना करके खुद उसमें फंस जाता है, जिप नहीं निकल पाते हैं वहां से नहीं निकल पाते। हाँ देखो देखो हमारे बड़ी गुरु जी कथा जो यहाँ बैठे हैं ना, या फिर महाराज जो बैठे हैं, दोनों आपस में मित्र थे, एक साथ में बहुत दिन तक दोनों रहे, दोनों रोटी बना करके दोनों खाया करते थे, एक साथ में उन्होंने रहे। जब उन्होंने संन्यास लिए उनको तो दंड कई महापुरुष ने बनाया था, हमारे बड़े गुरु जी ने बनाया था दंड, कपड़े कौपी चक्य हमारे महाराज ने, इनके लिए उन्होंने हमारे महाराज ने सब कुछ, ये मथुरा में उन्होंने सब कुछ बनाया। देखो इनकी कथा सुनो, ये थे बड़े पुलिस ऑफिसर थे हमारे महाराज, लेकिन बड़े सत्संग प्रेमी, कहीं अगर सत्संग होना इनको पता चले, वो पुलिस ऑफिसर थे लेकिन सत्संग कभी नहीं छोड़ते थे, कहीं अगर सत्संग हो रही थी गुरु जी को पता चला गुरु जी चले गए सत्संग, लेकिन उसी दिन बाईचांस क्या हुई, इनके जो बड़े पुलिस ऑफिसर थे वो चेकिंग करने के लिए आए, ये लोग सही सही ड्यूटी दे रहे थे, लेकिन ये गुरु जी तो गए थे सत्संग में गए हुए थे, वो तो थे नहीं, सोच रहे थे कौन आता है सत्संग एक घंटा सुन करके आ जाओ। उसी समय बड़ा पुलिस ऑफिसर आया, आया तो वो दूर से चेकिंग कर रहा था, कौन क्या कर रहे, कृष्ण स्वयं इनके रूप धारण करते हुए कृष्ण स्वयं ड्यूटी दे रहे, बड़े एकदम सिंसियर रूप में भाग दौड़ देखना बहुत अच्छे तरह से ड्यूटी दे रहे थे। इतने में जो बड़ा पुलिस ऑफिसर था बोले भैया ये व्यक्ति तो बड़े ईमानदार आदमी, कोई नहीं होने पर भी इतने बढ़िया रूप में ड्यूटी देता है, इसका नौकरी और था हायर पोस्ट पर करते हैं, उच्चा पोस्ट पर कर देगी, उन्होंने सोच कर चली गई। लेकिन बाद में जब गुरु जी सत्संग से आए, दूसरे पुलिस ने कहा देखो बड़ा पुलिस ऑफिसर आया था चेकिंग करने के लिए, अब थे कि नहीं, बोले तो पानी पानी हो गए, बोले मैं तो था ही नहीं, मैं तो गया था सत्संग में, वो तो डर गए, डरते हुए आए बड़े पुलिस ऑफिसर के पास में माफी मांगने के लिए, मैं कहीं सत्संग में चला गया था अपराध माफ कर देना। जब गुरु जी आए, जब ये बात को बोले, देखो बड़ा पुलिस ऑफिसर क्या कहता है, बोले देखो इनका नाम था नारायण, बोले नारायण तिवारी ब्राह्मण कहते थे, नारायण तिवारी मैंने देखा दूर से बहुत अच्छे तरह से सिंसियर रूप में तुम ड्यूटी दे रहा था, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारा जो पोस्ट है पोस्ट को थोड़ा ऊंचा में पोस्ट कर देता हूँ और बड़ा पुलिस ऑफिसर पद में तरह नियुक्त कर देता हूँ, जब इतने अच्छे तरह से तुम काम कर रहा था। गुरुदेव तो अक्के बक्के चक्के हो गए, बोले भैया मैं तो गया नहीं, मैं तो गया था सत्संग में, गुरुदेव सत्संग थे ना, इसलिए उनको पता चला भैया मेरे रूप लेकर के बाके बिहारी स्वयं हैं, ये बाके बिहारी स्वयं मेरे रूप लेकर के ड्यूटी दिया है। गुरुदेव उसी दिन उन्हें नौकरी को रिजाइन दे दिया, मेरे लिए ठाकुर को कष्ट करना पड़ा, रिजाइन देकर गुरुदेव उन्होंने भजन करने के लिए सब छोड़ करके हमारी बड़े महाराज जी को पास में आए, फिर उन्होंने संन्यास लेकर के संपूर्ण विश्व में महाप्रभु का वाणी प्रचार किया। इसलिए कितना एक भजन है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे, हाँ ये चीज कितना ठाकुर के तरफ में एक कदम चलो ठाकुर जी 10 कदम बढ़ते हैं हमारे ऊपर भी। भजन सुन लो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया
हाथों से ताली सेवा किया करें, हाथों की सार्थकता तभी जब ठाकुर सेवा करेंगे, ठाकुर की सेवा लगाएंगे तभी हमारे हाथों की सार्थकता है, जिज्ञासा हमारी तभी पवित्र होती है। ऐसे तो मैडम की तरह टदर 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 करने से विकार को फायदा नहीं है, तो इसलिए आप हमारे साथ दोनों हाथों से उठाकर के ताली सेवा करो और हमारे साथ साथ सभी बोलिए जी कहते पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर जी को डायरेक्ट कृपा हो जाए पाप दही संगत सोई तभी ये कथा रस को कोई पान कर सकता है नहीं लेकिन ये कथा रस को कोई पानी नहीं कर सकते हैं इसलिए शंकर जी ने देखा कथा सुने तो सुनी किसी ने देखा हैं उन्होंने देखा हाँ कभी तोता ने कथा सुनी कभी जब उन्होंने उनकी बिटका की गर्भ में उन्होंने प्रवेश की शंकर जी ध्यान लगाए भैया ये कथा तो सुनी कैसे कथा सुनी ये तोता है कौन ध्यान लगाकर देखा सचमुच से ये तोता कोई साधारण तोता नहीं इसलिए हमारे से कभी करना भूल श्री चैतन्य महाप्रभु एक भक्त हुए है उन्होंने एक ग्रंथ लिखे है कभी कर्णपुर ने उन्होंने ग्रंथ लिखे वो ग्रंथ में कभी कर्णपुर कह रहे हैं बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबन एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवास यदि ये तोता कौन है बोले राधा रानी की निकुंज महल में जो निवास करता था राधा रानी जी उसको हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिलाया करती थी बोलती थी बोलो तो कृष्ण कृष्ण वो तोता भी एकदम राधा रानी की जैसे गला की आवाज से बोलता था कृष्ण कृष्ण एक दिन राधा रानी कृष्ण विरह में एक चार लाइन का राधा रानी ने एक श्लोक पाठे उस श्लोक का मतलब होता है कहते कृष्ण का प्रति तुम्हारी प्रेम हो गई लेकिन कृष्ण तो साधारण व्यक्ति है कृष्ण तो साधारण व्यक्ति नहीं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि को भी सर्व कारण कारण हुई भैया प्रेम तो कृष्ण से हो गई लेकिन वो दुर्लभ पुरुष से मैं मिलूं कैसे उनने के चार लाइन के श्लोक पढ़ी वो तोता इतना विचक्षण तोता था राधा रानी के चार तोते हैं एक तोता जिसका नाम विचक्षण तोता वो एक बात को सुन लेना एकदम उसको याद कर लेता है उसने वो श्लोकों को याद कर लिया लोगों को याद करते हुए ये बरसाना से उड़ते उड़ते नंदगांव में पहुंच गया और एक छत के ऊपर बैठ करके वो चार लाइन की श्लोक जैसे राधा रानी की गला की आवाज ठीक वैसे ही वो श्लोकों को पढ़ रहा था कृष्ण देखा भैया तोता कहाँ से इतने सुंदर मीठी मीठी श्लोक पाठ कर रहा है इतने में कृष्ण उसको बुलाया तो वो तोता उड़ते उड़ते आया और कृष्ण के हाथ में बैठ गया बोलो तो अभी तो क्या बोल रहा था
अर्जुन ने चार लाइन एक संस्कृत श्लोक उच्चारण की। बोले बाप ये तोता होकर के ये संस्कृत श्लोक बोलता है और गला राधा रानी की गला की आवाज जैसे कृष्ण ने एक सोने के पिंजरा बनवाए और तोते को उस गद्दर में रख दिए। अभी राधा रानी तो बड़ी दुखी, भैया मेरी तोता कहाँ से उड़ करके चला गया। एक माधुरी का नाम का सखी को भेजे, देख करके आओ तो तोता कहाँ है। वो घूमते घूमते आया, देखा कृष्ण हाथ में बैठा करके बड़े लाल लड़ा रहे और उसको अनार की दाना खिला रहे थे। बोले हे श्याम सुंदर, ये तोता हमारे किशोर जी की तोता है, पालता तोता, ये हाथ से उड़ते हुए आ गया। कृष्ण बोले अगर तुम्हारी राधा जी की पालता तोता हो बुलाओ, अगर मेरे हाथ से उड़ते हुए अगर तेरे हाथ में चला गया ना, फिर समझूंगा भैया तुम्हारे पालता तोता, फिर तोता ले जाना। बोले कृष्ण बताओ ऐसे कौन सा प्राणी हो जो एक बार तेरे हाथ में बैठ जाए हैं और तू उसको प्यार करे हैं, इसको लाल लड़ाए और तेरे हाथ से कभी जा सकता है। तेरा नाम ही कृष्ण है, कृष्ण मतलब क्या है, आकर्षयति कृष्ण हैं, जो विश्व ब्रह्मांड का अपना तरफ में आकर्षण करता है, जिसको ऊपर में इसका रंग चढ़ जाए ना, चढ़े ना दूजो रंग, पर कोई रंग काम नहीं करता है, हैं? ऐसे कौन हो सकता तेरे हाथ में बैठी करके और कहीं जा सकता। बोले भैया तू जा, तोता मेरा है। अभी वो गई मैया जसोदा को पास, बोले जसोदे हमारी राधा रानी की तोता उड़ते हुए आ गया, श्याम सुंदर पकड़ लिया, देना नहीं चाह रहे। बोले चिंता मत करो, जब कृष्ण गैया चराने जाएंगे ना, ये पीछे से मैं तोता भेज दूंगी। कृष्ण जब गैया चराने के लिए जाए, बोले ये तोते को साथ में ले चलूंगा। मैया बोली क्या बाबरे बन गए, कहां तो जंगल में भटकोगे तू, ये तोता मर जाएगा। बोले मैया ये तोता संस्कृत श्लोक बोलता है और राधा रानी के गले की आवाज जैसे हैं, ये गोपियां ना बड़ा चट है, ऐसे नहीं मैं गया और पीछे से ये तोते को लेकर के चले गए। बोले चिंता मत करो, ये तोते को मैं रक्षा करूंगी। जब कृष्ण गए ना, उन्होंने तोते को भेज दिया, तोते को भेज दिया। जब भेज दिया कि जो तोता है, अब भागवत पढ़ो, सब जगह में देखना, श्री सुख उवाच, श्री सुख उवाच, श्री मतलब क्या, श्री मतलब श्री प्रिया है, श्री राधा रानी की ही ये तोता है, ये तोता कोई साधारण नहीं। कभी कभी श्याम सुंदर राधा रानी वो तोते को चुम्बन करती थी कृष्ण मान करके। इसलिए अब आगे सुनेंगे, जहां पर 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए, 88,000 ऋषि लोग, 100 साल, 200 साल, 5,000 साल, लेकिन कथा सुने तो सुखदेव गोस्वामी से क्यों, नंगे धड़के कपड़े नहीं है, छोटा सा बालक है और वहां इतने बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए और कथा सबसे छोटे बच्चे से क्यों। यदि साधारण होता नहीं, राधा के निकुंज महल में रहने वाले राधा कृष्ण की सारी लीला उसने दर्शन की है। इसलिए राधा रानी निको चुंबन की, चुंबन करने का नाते राधा जी की जो अधरा अमृत इनके थोंट में लगा हुआ है। अब राधा शब्द को उल्टा दो, क्या होता बोलो, जोर से बोलो, धारा है। कहती राधा नहीं, ये कृष्ण प्रेम रस की धारा श्री राधा रानी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के मुंह से सबके सब कथा सुने, उनकी अधरा अमृत लगी हुई थी। अब जब कृष्ण इसे जगत छोड़ करके जाने के लिए तैयारी हुए, ये तोता भी जाने के लिए तैयारी हुआ, बोले मेरे को भी ले चलो। कृष्ण बोले देखो तोते, तुमने मेरी सारी लीला दर्शन की हो, अगर तू चले जाओगे ना, फिर मेरे भक्ति को जगत में कौन प्रचार करेगा। इसलिए उन्होंने तोते को छोड़कर गए, जैसे भगवान राम श्री हनुमान को छोड़कर गए, इन्होंने ये तोते को छोड़कर गए। वही तोता जब प्रिया प्रियतम चले गए, कृष्ण गृह में बड़ी व्याकुल हो रहा था, प्रिया प्रियतम की लीला दर्शन नहीं हो रहा है। इतने वो तोता उड़ते उड़ते जो पहुंचा अमरनाथ में, देखा शंकर जी वही राधा कृष्ण की बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा सुना रहे थे। भैरव ने उसी कथा को सुने और श्री व्यास की पत्नी के गर्भ में प्रवेश किए और वही श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में आके ये भागवत कथा सुनाएंगे। शंकर जी ध्यानस्थ में सब कुछ उन्होंने देख लिया, शंकर खुश हो गए, बोले वाह कथा सुनाना मेरे धन्य हो गया है, एक दिन यही तोता ही दुनिया में भागवत कथा करेगा। सुखदेव गोस्वामी
परीक्षित को कथा सुनाएंगे, फिर सुत गोस्वामी सुनेंगे, फिर सोनकाद ऋषियों को सुनाएंगे। शंकर जी प्रसन्न हो गए, मन मन में प्रणाम करते हुए चले गए, वहां से चले गए। इसलिए देखो कथा राधा रानी खुद कहती है, ये कथा क्या है, तब कथा अमृतम। इसलिए देखो कथा की कितने महिमा, शंकर जी कौन है, सत्यम शिवम शंकर, जोगी जोगी महायोगी शंकर जी, देव देव। लेकिन शंकर जी स्वयं कहते पार्वती, जब से मैंने कथा सुनी तब से अमृतत्व को प्राप्त की। मैया कौन है, जगदम्बा जगत जननी, उसको पहले उन्होंने शरीर छोड़े, लेकिन कब से बंद हुआ शरीर छोड़ना, जब से उन्होंने यही भागवत कथा सुनी। तब आप लोग समझो ये कथा की कितने महत्व है, हम सोच नहीं सकते कथा सुनने का क्या महत्व है। केवल भगवत प्राप्ति की, अमरत्व की प्राप्त करने का केवल एक उपाय है, केवल ये भागवत कथा सुनना, इतने ये कथा की महत्व है। राधा रानी स्वयं कहती कथा सुनने का ये पहला लाभ है, याद रहेगा, कल मैं सबको पूछूंगा, देखूंगा जो बोलेगा उसको मैं इनाम दूंगा, किसको किसको याद रहा, ठीक है, याद कर करना। कहते कथा सुनने का दूसरा लाभ क्या है, बोले तप कर जीवनम। संसार में हम सबके सब दुखी है, कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई लड़की से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी है, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पैसा से दुखी। आप किसी व्यक्ति को ऊपर से पूछ लो ना, ठीक ठाक और मुट्ठी तो हिला है, लेकिन अंदर की बात पूछो, बोले संसार दावा नल लीख लो। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं संसार दावा था, और जिसने दुनिया बनाया ना, कृष्ण खुद कहते हैं दुखालयम असासतम, ये दुख का घर है इसने बनाया। लेकिन राधा रानी कहती है अगर सारे दुख से निकलना चाहते हो, तप्त जीवनम, ये उत्तप्त जीवन से अगर निकलना चाहते हो क्या करो, कथा सुनो। देखो इसके प्रमाण देख लो, संसार में हम सबसे दुखी है, लेकिन आप देखना यहाँ तो एक घंटा बैठोगे, लेकिन जब तक आप कथा में बैठोगे ना, आपको कोई दुख का याद है, आपको घर में हम दुखी है अभी तुम्हें याद है कोई घर के दुखी, कोई याद नहीं जब तक बैठोगे, क्यों जो कथा सुन रहे हो ना ठाकुर का गोद में बैठे हो, केवल ये गेट से बाहर निकलो, घर में जाने पर ये होगा, घर में ये दिक्कत है, भोग साथ में लड़ाई है, बेटी बात नहीं सुन रही, बेटा का शादी नहीं हुआ। आप ये कथा की गेट से निकलते ना, सारे दुख पहाड़ जैसे सर पर बैठ जाएंगे, लेकिन जब तक आप तुम कथा सुनोगे ना, जितना संसार का कोई भी दुख तुम्हें याद नहीं, कोई भी, क्योंकि जो भगवत कथा सुनते है ना, और कहाँ है, इसलिए प्रभुपाद हमारी प्रभुपाद कहते थे कि जो स्थान है ना, मैंने जो मंदिर बनाया, मंदिर नहीं वृंदावन से गोलोक, वृंदावन से राधा रानी की निकुंज मंदिर मैंने ले आया, राधा रानी की निकुंज मंदिर मैंने यहाँ प्रकट कर दिया, ये मंदिर नहीं, जो कथा सुनते है राधा रानी की निकुंज महल में रह रहे हो, हैं? इसलिए बोले तप्त जीवनम, कथा सुनने का दूसरा लाभ क्या है, जीवन का सब दुख, कितना सब दुख दूर हो गया जब तेरा नाम लिया, ये दूसरा लाभ है। तीसरा क्या है, बोले कभी भी रिदितम, कहते कथा को बोलने वाले कौन है, बोले साधारण व्यक्ति नहीं, अभी सुनाए ना शंकर जी पार्वती को सुनाए, सर्वप्रथम कथा कहां से आई, भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्मा को 4 श्लोक उन्होंने दिया है, इसलिए भागवत का एक नाम चतुर्श्लोकी, इस चतुर्श्लोकी की व्याख्या ही कहती है संपूर्ण 18,000 श्लोक। लेकिन कथा निकली कहां से, स्वयं कृष्ण के मुखार से, ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी इसको नारद जी को दिए, नारद जी व्यास देव को, व्यास देव सुखदेव गोस्वामी, सुतो गोस्वामी सुत गोस्वामी को, सुत गोस्वामी उन्होंने फिर उन्होंने किसको दिया, सोनक आदि ऋषियों को प्रदान की, फिर श्री सुखदेव गोस्वामी 88,000 ऋषियों के सामने उन्होंने ये कथा कही। देखो कथा सुना है ना, जगत में अमर हो गए कि नहीं, जगत में ये अमर हुए कि नहीं, ये सब के सब कथा सुनने वाले अमर हो गए हैं, इसलिए कभी भी ऋणी तब। चौथा है कल्मषाप, कल्मष मतलब होता है पाप, कभी जीवन में हम दुख कष्ट क्यों भोग रहे, इसका क्या कारण है, बोले हमारी प्रारब्ध है, ये हमारी प्रारब्ध, पूर्व जन्म में हमने जो पाप कर्म करके आए
उसी वजह से दुख कष्ट भोग हो रहा है। लेकिन कथा की इतने महिमा, इतने महिमा कथा की, जो कथा सुन रहे ना आपके सारे प्रारब्ध, आप लोगों ने अजामिल की कथा सुनेंगे, कितना बड़ा पाप था, बेटा का नाम केवल नारायण रखा, नारायण बोलते बोलते उधर हो गई। वाल्मीकि पहले दशरथ नगर था, जब श्री नारद जी को साथ में मिले, बोले बोलो भैया राम, बोलो राम, बोलो आप ये निकाल बोल नहीं रहे, बोलो राम। लेकिन वो इतना बड़ा पापी था, उसको मुझसे राम की नाम नहीं निकला। बोले भैया तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो, बोला इतना तो बोल सकता हूँ, लेकिन कहते उल्टा नाम जब तक जगह जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना और नाम लेत भव सिंधु सुखाई विचार कर सुमन मन माई। अगर दशरथ ना कर जैसे, अगर मरा मरा करते करते अगर ये वाल्मीकि बन सकते हैं, अगर हम सीधा नाम लेंगे तो हमारा क्या नहीं होगा, बोलो। इसलिए गोस्वामी जी एक उदाहरण देते हैं, आप लोगों ने कोई पेड़ लगाया हो, कौन कौन पेड़ लगाए, अरे हाथ उठाओ, कौन कौन जीवन में कोई पेड़ लगाए। आप देखना जब पेड़ लगाते हैं ना, जैसे किसान लोग गेहूं चावल धान के पेड़ लगाते हैं, देखना खेती में जाकर ऐसे ऐसे बिखार देते है ना, बीज को ऐसे ऐसे खेती में बिखार देते, वो उल्टा पड़े और सुलटा पड़े, लेकिन जब निकलता है कैसे पेड़ निकलता है, कैसे निकलता है, सीधा निकलता है। उसी तरह जो भगवान के नाम को अगर हम किसी तरह से ग्रहण करें तो, लेकिन जो फल होगा ना वो सीधा होगा, वो जाकर के सीधा उल्टा पुल्टा नहीं होगी, सीधा जाकर होगी। इसलिए यहाँ कह रहे कथा सुनने से हर पाप तुम्हारे खत्म हो जाएगी। पंचवा जो लाभ है श्री, श्री मतलब होता है सुंदर, श्री मतलब होता है ऐश्वर्य पैसा, श्री मतलब होता है शोभा, जो ये कथा को सुनेगा जगत में उसके जय जयकार हो। और ता मतलब आसक्ति, जो भगवान की कथा सुनेगी संसार का सारे आसक्ति खत्म हो जाएगी। और श्रवण मंगलम, जो भागवत कथा श्रवण करेगा जीवन में उसको मंगल मंगल ही होगा। इसलिए भागवत का एक नाम बताया कल्प वृक्ष, क्या नाम बताया, हाँ देखो ये चीज को सुना, कहते जो भागवत कथा श्रवण कर रहे हो आप कथा नहीं सुन रहे हो, कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो, बोले कल्प वृक्ष पर नीचे। बोले भैया कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है, बोले जो मांगोगे तुमको वही मिलेगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते कि निर्धन है, धन नहीं कथा सुनो उसे धन की प्राप्ति हुई, जिनकी संतान नहीं होती है कथा सुनो। मैं बहुत सारी जगह पर देखा, अभी जहां से कथा करके मैंने आया है ना, उसको 10 साल से बच्चा नहीं था, उसको पहले ग्रेटर नोएडा में कथा की थी, उसको 25 साल से संतान नहीं थी, उसने जीवन में जो कुछ करना कर लिया लेकिन घर में संतान नहीं हुआ, जब मैंने बहुत जगह देखा। लेकिन भागवत कथा नियम से सुने, फल ला कर रखे, खाए, उनको संतान हुई, बहुत सारी जगह पर देखी। जब किसी चीज में नहीं होती है ये भागवत क्यों, ये साक्षात ठाकुर जी है। इसलिए जगत जो निर्धन उसके धन, जो रोगी उसके निरोगी, जो दुखी उसके सुख प्रदान करती भागवत कथा। लेकिन अगर ये कथा को कोई नियम से सुने, ऐसे नहीं बीच में आए कथा सुने एक बार घूम करके आगे मन ही लगाएंगे हैं, इसलिए कभी ध्यान कभी बिना ध्यान नहीं, कथा नियम से सुना। नियम से मतलब कथा ठीक शुरू होने से पहले आ जाओ, मन लगा करके ध्यान से एक अक्षर को मन लगा करके सुना कथा को, अगर सही से कथा सुनोगे ना जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। इसलिए श्री पद्म पुराण में बोले श्रोता दो तरह के, कितने तरह के, शब्द सब याद रखना, मैं कल मैं पूछूंगा जो बोलेगा इनाम देगा, कथा श्रोता कितने तरह के, हाँ। इसलिए बोले एक उत्तम श्रोता है और एक कनिष्ठ श्रोता है, कहते जो उत्तम श्रोता वो चार तरह के, कितने तरह के, आज मैं बोलूंगा कल आपसे सुनूंगा। पहला नंबर है हंस, हंस आप देखे होंगे, हंस को पानी दो, दूध दो हंस को, देखना वो पानी पानी तो पी लेगा, लेकिन दूध दूध को पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देता है। कथा कैसे सुननी चाहिए, हंस जैसे, याद रहेगा पहला नंबर कौन है, हंस। दूसरा नंबर मछली, मछली देखे होंगे, देखना मछली का जो आंख है ना कभी पलक नहीं झपकती है, उसकी आंख एकदम खुली हुई रहती है। बोले कथा कैसे सुननी चाहिए, मछली जैसे, मतलब टक टक लगा करके, मन दे करके,
जैसे कथा की कोई एक शब्द मिस नहीं होता। दूसरा नंबर है मधुमक्खी, देखो मधुमक्खी, देखना कांटा वृक्ष में फूल क्यों नहीं, वो देखना मधुमक्खी वहां भी बैठ जाएगा और वहां से शहद लेगा, हर फूल से उसने शहद को ले लेकर के मधुमक्खी ने छटा बना लेती है और वो क्या होता है मधु ठाकुर की सेवा में लग जाती है, ठाकुर की सेवा में लग जाती है। तीसरा नंबर क्या हो गया मधुमक्खी। चौथा नंबर है चातक, एक चिड़िया है, इसका एक विशेषत्व है ये किसी नदी का पानी नहीं पिएगा, किसी तालाब का पानी, किसी पोखर का पानी, किसी कुएं का पानी नहीं पिएगा, वो तभी पानी पिएगा स्वाद ही नक्षत्र, जब बारिश ही होना वो तभी पानी पिएगा, इसलिए हर समय को चिड़िया प्यासा हम प्यास हूँ पानी पानी करके चिल्लाते रहता है। तात्पर्य क्या, तात्पर्य है भैया कथा सुनेंगे तो जिसके तिसकी कथा नहीं सुनेंगे, सुनेंगे तो ठाकुर जी की कथा सुनेंगे, ऐसे नहीं बहू बेटी की चुगली हो रही है इधर उधर से बात हो रही है कहीं भी बैठो बात घंटा घंटा बिता देते हैं, अगर चुगली तो इतने टेस्टी से तो दुनिया भी कोई टेस्टी है, इसकी बुराई अगर हो उसमें तो एकदम जिसकी कान तो एकदम तरसती है, ठीक है ना, इसलिए चातक जैसे है सुनेंगे तो भगवान उनकी भक्तों का ही कथा सुने, इधर उधर कथा नहीं सुननी चाहिए। चार तरह का हो गया अच्छे श्रोता, बोले चार तरह का हो गए साधारण श्रोता, बोले कौन है, पहला नंबर है भुरुण, भुरुण एक चिड़िया है वो हिमालय पर्वत में रहता है, इसी की विशेषत्व है आप इसको जैसे सुनाओगे ना ठीक आपको ठीक वैसे सुना देगा, सुन भी लेगा और सुना भी देगा, लेकिन अपना जीवन में राधा कृष्ण भगवान की जुगल सरकार की सचिनंदन गौर हरि की हिताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। बा ठाकुर का बड़ा सुंदर श्रृंगार करा, ठाकुर जी का नाम क्या है, गौर राधा कृष्ण, श्री श्री गौर राधा कृष्ण की। प्रभु जी आप आरती कर रहे हो, आरती कर रहे हैं ना, सब जब खड़े जाओ ठाकुर जी आरती कर रहे हैं, जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलाना, जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलाना, आरती कर ललिता सखी गाना, आरती कर ललिता सखी गाना, मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर, मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर, ललित माधव वामी Thank you.
साढ़े कितना हो गया चार कोई पांच ठीक और आधा का तरह सुना ठीक है
ठीक है आदरण निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ जो श्रोता है उत्तम श्रोता चारित्र का हो गया। बोला कौन कौन बोलेगा चारित्र क्या किया था? हंस मछली मधुमक्खी और चाकर। वाह धन्यवाद आपको, अब याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है। और कहते जो कनिष्ठ जो श्रोता है वो भी साधारण श्रोता चारित्र का, जो घटिया श्रोता है कहते पहला नंबर है भुरुट, ये रहता है हिमालय पर्वत में। इसका स्वभाव है आप इसको जैसे सुना दोगे वो आपको तो ठीक वैसे ही सुना देगा, लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर भी नहीं उतारेगा। जब वो करेगा ना पूरा पूरा उल्टा करेगा। कहती है भोरू। दूसरा नंबर है बैल। अब बैल को आप सुंदर सुंदर फल दे दो और उसको भूसा दे दो, वो दोनों में बराबर मानता है। मतलब है कृष्ण की कथा हो ठाकुर जी की कथा हो नहीं तो दुनियादारी कोई बात हो, दोनों को जो बराबर मानने वाले कहते तो बैल है। तीसरा नंबर है ऊंट। अब लोग ऊंट देखे हो वो बैल को ना उसमें के ही बांधते ना कपड़ा बांधते ना जब बजे नहीं, इसलिए कहते ऊंट। ऊंट को देखना आप उसको कोमल कोमल कोई पता दो बढ़िया बढ़िया वो खाएगा नहीं, वो ढूंढेगा भैया ये कहाँ बबलू का पेड़ कहाँ पर है जिसमें कांटा हो, उसको खाएगा उसको मुंह से खून निकलेगा बस उसी से ही वो तृप्त रहता है। मतलब है जो भगवान की मधुर मधुर कथाओं को छोड़ करके जो ग्राम्य वार्ताओं को उल्टा पुल्टा कथा में जिनकी रुचि है, लेकिन जिनकी आप देखना कोई सीरियल आता है ना टीवी में कोई सीरियल आएगा वो क्या है झूठा चीज है। आप देखना झूठे चीज को तो तीन तीन घंटा देख करके आग फाड़ फाड़ कर देख लेते हैं, लेकिन भगवान की जो असली जिसमें सारे सुख मिलेगा वो कथा में उनकी रुचि नहीं होती है, इनको कहते हैं बैल है। और जो चौथा नंबर है भेड़िया। भेड़िया ये छोटा जाति का एक बाघ होता है। वो हिरण को तभी आक्रमण करेगा जब हिरण कोई सुलीली शब्द सुन कर उसमें मुक्त हो जाता है, उसी समय में ही वो भेड़िया आक्रमण करता। बोले मतलब क्या है? बोले मतलब है ऐसे कुछ श्रोता होते हैं जिनकी कथा में खुद का रुचि नहीं, लेकिन जो पास जो बैठने वाले व्यक्ति को भी कथा सुनने के बिना कारण के बात करते रहेंगे, तेरे घर में क्या खाना बनाया था पता है, तेरे उसका छोरी क्या कर रहा था, उसका छोरा तो छोरी को लेकर भाग गया। अब देखना जो कथा सुनेगा नहीं लेकिन जो पास में जो बैठा हुआ व्यक्ति को भी जो कथा सुनने नहीं दे कहती है भेड़िया है। इसलिए बोले ये चार तरह का जो ये घटिया श्रोता है, जो कथा चार तरह के सात्विक राजसिक तामसिक और निर्गुण। बोले सात्विक की कथा किसको कहते हैं? जैसे एक महीना हो एक महीना कथा सुने लेकिन उसको बाद में फिर कथा बता से कोई मतलब नहीं। बोले राजसिक कथा किसको कहते हैं? जैसे ठाड़ बाड़ से कथा को तो आयोजन करवाए लेकिन वो कथा की व्यवस्था में कभी कभी इतने बिजी हो गए जो असली चीज जो कथा सुनना है वो कथा नहीं सुन पाए, कहते इसको कहते राजसिक कथा। बोले तामसिक कथा किसको कहते हैं? कहते जैसे सात दिन तक कथा हुई हैं, कभी आए कभी नहीं आए, कभी सुने नहीं, कभी कथा में मन ही नहीं लगा, बोले एक चक्कर लगा कर घूमघाम करके आ गए, मतलब किसी तरह से सात दिन को बिता देना ऐसे, कभी ये तामसिक कथा है। बोले सही कथा क्या है? बोले सही कथा है बोले सदा सेव्यम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रय। जिसने अपना जीवन को ही भागवत में बना दिया घर में नियम करके गीता हो भागवत हो रामायण हो कोई शुद्ध भक्ति ग्रंथों को गोस्वामी ने संतों ने जो ग्रंथ रचना की रोज नियम करके अपना घर में पढ़े, इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं ये भागवत कथा कितने महत्व। बोले अगर पूरी श्लोक हो अगर पूरी श्लोक एक भी नहीं हो आधा श्लोक हो अगर आधा श्लोक भी नहीं हो एक चौथाई श्लोक भी किसकी घर में पठन पाठन हो उसकी घर में श्री राधा हैं
जुगल सरकार उसकी घर में निवास करते हैं। इतना महिमा ये कथा की, इसलिए नियम करके ग्रंथ को, गीता भागवत रामायण को अपना घर में जो नियम करके एक अध्याय तो बहुत अच्छी बात है। एक श्लोक अगर गीता की पढ़े, उसकी व्याख्या को पढ़े, आप देखना गीता पढ़ोगे तो भागवत पढ़ोगे, आपका घर में कहते हैं राधा कृष्ण की निवास होता है। इसलिए कथा असली कथा क्या है, जिसने अपना जीवन को ही कथा बना दी, अपना जीवन को ही कथा बना दी, ये सही कथा है। इसलिए कथा की बड़ी महत्व है, कथा की हम लोग अभी ये कथा की जो महिमा कथित दो पुराण में आती है, एक पद्म पुराण और एक स्कंद पुराण, कोशिश करेंगे दोनों दोनों कथा को थोड़ी थोड़ी जितना भी हो सके। कहते जो पद्म पुराण में जो कथा है, बोले सचिदानंद रूपाय विश्वत्पत्यादि एतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय भयम् नमः। जब ये भाग पद्म पुराण को शुरू करते हैं, सर्वप्रथम भगवान के चरण में नमः, वयम नमः, ये जो नमः शब्द है ये शरणागति है, ठाकुर जी आपकी चरण में हम शरण ले रहे हैं। बोले भैया किसकी चरण में शरण ले रहे हो, बोले श्री कृष्ण, श्री कृष्ण मतलब बोले कृष्ण नहीं केवल, श्री मतलब उनकी स्त्रिया, उनकी स्वरूप शक्ति, लादिनी शक्ति, उनकी जो पराशक्ति सो श्री राधा रानी, कहते इनको साथ में श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले भैया अकेले कृष्ण को पूजा मत करो, वो कहते हैं अकेला माधव पूजय से अज्ञानी, राधा अनादर करे अभिमानी। अकेले जो कृष्ण को पूजा करता है वो अज्ञानी, राधा रानी को जो अनादर करता है वो अभिमानी है। कहते कबहु ना कर भी ता कर संग, चित्ते इच्छा से यदि ब्रज रस रंग। अगर तुम ब्रज भक्ति को बनना चाहते हो, जो अकेले कृष्ण पूजा करते है ना, ऐसे कुछ संप्रदाय है जो केवल अकेले कृष्ण पूजा करते हैं। कहते नहीं भैया, इनका पूरी पूजा नहीं हो पाती। कहते ऐसे व्यक्ति का संग मत करो, अगर तुमको ब्रज भक्ति चाहिए ना, ऐसे संग से ब्रज भक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए बोले सचिदानंद रूपाय, वो कौन है, सत चीत और आनंद, सत स्वरूप में श्री ताऊ भैया बलदेव, चीत स्वरूप में अधिष्ठात्री देवता स्वयं बांके बिहारी कृष्ण, जो लादिनी स्वरूप कौन है, श्री राधा रानी। इसलिए जब तक श्री राधा रानी कृष्ण के पास में नहीं होना, कृष्ण पूरा नहीं। इसलिए शास्त्र में बताए, बोले चापि राधा सापि कृष्ण, चा राधा कृष्ण एव स एक ज्योति द्विधा विरण, राधा माधव स्वरूपम। कहते जो राधा वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही राधा। केवल वो लीला करने के लिए उन्होंने द्विधा मतलब दो रूप हुए। उदाहरण दिए, आप लोगों ने कभी दिया जलाए होंगे, देखना एक जगह पर रहता है तेल, तेल एक जगह पर, लेकिन दोनों तरफ में दो दिया निकलती है, लेकिन तेल एक ही है, उसी तरह एक ही है, लेकिन दो रूप में राधा और कृष्ण रूप। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे कोई फूल का, जैसे कमल वृक्ष फूल हो, देखना जड़ एक होता है, लेकिन एक जड़ से ये दो कमल फूल निकले, दो कमल फूल निकले, वो दो कौन है, राधा और कृष्ण। तत्व तो ही ये दो नहीं, तत्व तो ही ये एक ही है, लेकिन केवल लीला रस को आस्वादन करने के लिए प्रबुद्ध होगी। इसलिए बृहदारण्य उपनिषद में बताए, बोले सबई नैव रमे नैव रमते द्वितीय विभूति है। कहते हैं एक समय भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष पर नीचे खड़े हैं ठाकुर जी। अभी इनकी इच्छा हुई लीला करने के लिए, देखा भैया एक स्वरूप में तो लीला में कर ही नहीं सकता जब तक मैं दो नहीं हूं। जब इनकी इच्छा हुई हम लीला करेंगे, इतने में कृष्ण का जो वाम अंग था ना वो फड़कना शुरू किया, फड़कते फड़कते उनकी वाम अंग से एक दिव्य किशोरी प्रकट हुई, 16 श्रृंगार और 12 आभरण पहन करके एक बड़ी सुंदर दिव्य नारी प्रकट हुई। बोले कहां से हुई, बोले रास मंडल से।
इसलिए पहला अक्षर क्या हो गया रा। अब वो प्रकट होकर के सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करके कृष्ण की सेवा करने के लिए वो धावी तथावी मतलब दौड़ना है, तो वो दौड़ी, उनका नाम क्या हो गया रा और धा हो गया। और रा मतलब क्या बोले भक्ति, बोले धा मतलब जीवों को भक्ति देने वाले कौन है श्री राधा राय, यही कृपा करती है, इनकी कृपा के बगैर कृष्ण भी कृपा नहीं करते हैं। इसलिए कोई एक ब्रज में कोई एक रसिक संत हुए, उन्होंने एक बड़ा सुंदर पद लिखे थे, वो पद था मैं तो श्याम रंग में रंगी, मतलब कृष्ण रंग में मैंने रंग गया। वो सचमुच से बड़ा सुंदर पद ही था, जब जब संतों के पास में गया संत लोग तो सुन सुनकर भावा दिए, बोले भाव कितना सुंदर पद है। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु इनकी भक्तों से रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, इन्होंने एक श्लोक बनाया, ये विलाप पुष्पांजलि ग्रंथ में अद्भुत ग्रंथ है। लेकिन जब इनको पास में ये पद पहुंचे, देखो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का भक्त है, उन्होंने एक श्लोक लिख करके को व्यक्ति को पास में भेज दिया। वो श्लोक है बोले अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदा वनम तद अटबिम असंभाष तद भाव गंभीर चिता उतः श्याम सिंधु रस श्याम गा। इसका मतलब है कि तो भैया तू कह दो कृष्ण रंग में रंगे, इतने आसान नहीं कृष्ण रंग में रंगना, जिनकी चरण को पाने के लिए ब्रह्मेश्वरादि सुदुरुह पदार्विंद, जिनकी चरण कमल को ब्रह्मा शंकर नारद बड़े बड़े ऋषि लोग भी शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, वो इतने आसानी व्यक्ति नहीं कृष्ण 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 रंग इतने आसानी नहीं है। और तीन जगह से टेढ़े हैं, इनके नाम भी देखो बड़े टेढ़े हैं, जब तक जीवा तुम्हारी तीन बार पलट नहीं जाएगा ना और कृष्ण नाम नहीं निकलेगा, वो भी तीन जगह में टेढ़े हैं, उनकी गली भी देखो टेढ़ी, जमुना भी टेढ़ी, सब उनको टेढ़ी है टेढ़ी टांग वाले, भैया इतने आसानी नहीं है टेढ़ी टांग को पाने के लिए। इसलिए ब्रज में एक भजन है बोले तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, जमुना तेरी तेरी गोकुल तेरो तेरो, जमुना तेरी तेरी गोकुल तेरो तेरो, तेरी रे तेरी तेरी जसदा तो करिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। भक्त लोग ने बड़े सुंदर भजन लिखे हैं, कथा और टेढ़े टांगे वालों को पाना चाहते हो ना, बोले कैसे करना पड़ेगा, उस श्लोक में लिखे दिए बोले अनाराध्य राधा पदाम भोज रे, तो तीन चीज को पहले अपनाओ फिर कृष्ण कृष्ण मिलेगा। वो तीन चीज क्या ध्यान देकर सुनना, कल बोलना मेरे को, ये रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं बोले अनाराध्य राधा पदाम भोज रे, पहला नंबर है राधा रानी की चरण की धूल को वंदना करो, दूसरे चीज किया बोले राधा रानी के चरण की को द्वारा जो अंकित तो वृंदावन धाम है ऐसे श्री वृंदावन धाम का आश्रय करो, और जो तीसरी चीज सबसे दुर्लभ है राधा जी की प्रेम रसो में जो रंग में जो रंगे हुए जो भक्त हैं, मतलब ऐसे परंपरा में जो आए, इसलिए हमारी संप्रदाय का नाम है ब्रह्ममात्र गौड़ीय संप्रदाय। ये गौड़ीय मतलब क्या होता है, गौड़ीय मतलब होता है गोरी है गोरी, इसलिए गौड़ीय मतलब जिस संप्रदाय में श्री मुख्य रूप में राधा कृष्ण को हम उपासना करते हैं। अगर बोला जाए ना हमें भैया तुम राधा कृष्ण को तो भक्ति करते हो लेकिन तुम ज्यादा किसको तरफ में झुकते हुए हो, हम बोलेंगे कृष्ण के तरफ में नहीं, हम राधा जी की तरफ, किसको तरफ में, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं जिन्होंने मन शिक्षा लिखे है उनको कहते हैं अगर आपको बोले है भैया आप क्या परिचय है, बोले भैया कृष्ण से हमारा कोई मतलब नहीं, हमारे मतलब तो राधा रानी से, हाँ इसलिए कृष्ण से मतलब है चूंकि राधा रानी के कृष्ण उनको प्राण प्यारे लगते हैं, इसलिए हमारे संप्रदाय में गौड़ीय, गौड़ीय मतलब गौरी श्री राधा रानी के आनुगत्य में हम कृष्ण सेवा करने वाले, क्योंकि राधा जी की आनुगत्य करो ना
कृष्ण को पूर्ण प्रसन्न होता है। जैसे समझो दो पति पत्नी, ये चीज को समझो, जैसे दो पति पत्नी, अभी पति को क्या प्यारा है किसको पता जाता, बोलो बोलो किसको पता है, पत्नी को। अगर पति को उनको कोई चीज प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, उनको पति को कोई चीज खिलाना चाहते हो, जैसे उनको मीठा प्यारा, लेकिन आप नमकीन नमकीन खिला दिया, वो तो खाएंगे लेकिन खुश नहीं होंगे। लेकिन उनको पत्नी को पूछो भैया इनको क्या प्यारा है, ये सेवा करती है, ये बताएगी उनको क्या चीज प्यारा है। उसी तरह अभी कृष्ण को क्या प्यारा है ये किसको पता है, अगर इन्हीं के अनुगत्य में सेवा करेंगे तो पूर्ण कृष्ण तभी पूर्ण संतुष्ट होते। क्यों, वो केवल राधा जी को क्यों प्रकटित किए हैं, कृष्ण सेवा कैसे हो, इसलिए इनका नाम राधा। राधा मतलब क्या है, जो कृष्ण को पूर्ण रूप में जो आराधना करती है, कृष्ण की जो पूर्ण रूप में सेवा करती है, ये श्री राधा रानी। इसलिए कहते हैं बोले भैया जब तक तुम ये धारा में नहीं आओगे ना, शुद्ध भक्ति धारा में नहीं आओगे, तब तक भैया कृष्ण जो टेढ़े टांग वाले ना उनको खुश नहीं कर सकते हो। उनको प्रसन्न करना तो शुद्ध भक्ति लाइन में, जिस संप्रदाय में राधा कृष्ण की जुगल की उपासना विशेष करके श्री राधा जी की अनुगत्य में हो रही है, जब तक उसी धारा में नहीं आओगे तब तक तुमको ये प्रेम नहीं मिलेगी। इसलिए शास्त्र में बताया कैसे संतों की संग करनी चाहिए, कैसे संतों की संग करनी चाहिए, जिसके हृदय में ये भावना है उनकी संग करोगे तब तो तुमको वो भक्ति मिलेगी। अगर उल्टा पुल्टा साधुओं के साथ तुम घूमते रहो उल्टा पुल्टा, फिर तो भैया जैसे संग करोगे तो रंग भी उतर जाएगा। इसलिए संग मेन है जीवन में, संग की जैसे संग करोगे ना रंग उनकी रंग वैसे ही चढ़ेगा तुम्हारे ऊपर है। इसलिए सर्वप्रथम जो श्लोक है श्री जुगल सरकार को यहाँ प्रणाम करते हैं, श्री जुगल सरकार को, बोले वो कौन है, सचिदानंद रूपाय सचिद आनंद स्वरूप है और सचिदानंद विश्व उत्पत्ति है तभी। वो कहते हैं कि आप बोले जगत का सृष्टि स्थिति पालन करने वाले हैं, जिनके आदेश पर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, जिनके आदेश पर शंकर जी संहार करते हैं, जिनके आदेश पर श्री विष्णु जगत को पालन करते हैं। कहते इनकी चरण में अगर शरणागति होते हैं क्या होगा, बोले ताप त्रय विनाशाय, जो त्रिताप है, त्रिताप क्या है, ये जगत में आओगे ना ये तीन तरह का दुख कष्ट सबको भोगना पड़ेगा, आध्यात्मिक, आदि प्रेमिक और आदि भौतिक। बोले आध्यात्मिक दुख का कौन है, बोले मानसिक कष्ट है। जगत में कोई नहीं बोल सकता है जगत में मेरा कोई मानसिक कष्ट नहीं, सभी बीमारी की दवा है, लेकिन ये मन का रोग का ना कोई दवा नहीं, इसकी कोई दवा नहीं। सभी के अंदर में पता ना, तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, परिवार से दुखी, बेटी से दुखी, बहू से दुखी, काम से दुखी, पड़ोसी से दुखी, ये जो मानसिक कष्ट है ना इसका भैया कोई दवा नहीं। लेकिन कहते कृष्ण कृपा हो जाए ना राधा रानी की, ये सारे कष्ट आदि भौतिक आदि दैविक जो देवता को द्वारा जीवों को द्वारा सारे दुख तुम्हारी समाप्ति हो जाएगी। इसलिए किसकी कृपा से, श्री जुगल सरकार श्री राधा कृष्ण की कृपा से। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, पिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हाँ मेरे साथ में दो मिनट ताली बजा कर कीर्तन कर लो। देखो ये जो हरे कृष्ण है, इसका पहला शब्द हरे, हरे मतलब क्या है, बोले जीवन का जितने दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए हरि से ये हरे है। और दूसरा नाम कृष्ण, कृष्ण मतलब क्या, जो सबको जो आकर्षण करे, हमारा जो भटक तो हुए मन को जो भटकने नहीं दे, नाम मतलब आनंद दे। और उसमें राम है, राम मतलब क्या है, जीवन में हमें जो आराम दे। अगर ये महामंत्र को करोगे तीन फल मिलेगा, क्या मिलेगा, जीवन का दुख कष्ट दूर होगा, भटक तो हुए मन भटकेगा नहीं, और जीवन में हमें आराम शांति सुख मिलेगा ये महामंत्र को जप करने से। लेकिन वैसे जो अर्थ है, हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण, ये हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण की ये युगल नाम है। सबके सब ताली बजाते हुए मेरे पीछे पीछे एक मिनट
कीर्तन करते हैं। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 और कोई नहीं कृष्ण ही है। कलि युग में उन्होंने राधा जी की भाव और अंग गाते लेकर के आए ये गौरांग, इसलिए इनका नाम गौर हरि। गौर हरि नाम क्यों पड़ा? गौरी मतलब श्रीमती राधा रानी, हरि मतलब हरि कृष्ण, ये दोनों मिलकर के अंत कृष्ण और बहिर्गौर। अंदर में तो कृष्ण है लेकिन कृष्ण को राधा रानी ऐसे आलिंगन करके रखे, राधा रानी उनको आलिंगन करके रखे। बोले क्यों? बोले क्यों महाप्रभु कृष्ण कलयुग में महाप्रभु क्यों धारण किया? कारण क्या? कारण यही है, कैसे राधा रानी हैं कृष्ण सोच रहे हैं, बोले भैया कैसे श्री राधा रानी मेरे प्रेम को आस्वादन करते हुए कैसे पछाड़ खाकर गिरती हैं। इसलिए राधा रानी सोच रही हैं कृष्ण अभी मेरे भाव अंगता से लेकर के ये दुनिया में जा रहे हैं, ये भी पछाड़ खाकर गिरेंगे। लेकिन जब मेरे श्याम सुंदर का अंग बड़ा कोमल है, कृष्ण अंग का बड़ा कोमल है, जब गिरेंगे ठाकुर को कष्ट होगा। इसलिए राधा रानी क्या की, कृष्ण को आलिंगन करके खड़ी हुई। अगर कभी और प्रेम में पछाड़ खाएंगे ना, इसलिए महाप्रभु को देखना, जब श्री कृष्ण नाम लेकर स्वयं कृष्ण है लेकिन जब कृष्ण नाम को लेकर पछाड़ खाकर गिरते थे, इसलिए राधा रानी उनको आलिंगन कर रहे। अगर कष्ट होगा तो मेरे को होगा, मेरे प्रियतम को, कृष्ण को कष्ट नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु कृष्ण को राधा रानी उन्होंने ऐसे आलिंगन कर रखे, इसलिए गौर हरि है। कहते इनके नाम लेने से क्या होता है? बोले भैया रामावतार तो कृष्ण आए लेकिन कहीं उल्टा पुल्टा किया ना, उठाया धनुष लंका समेत खत्म कर। कृष्ण आए अगर कोई उल्टा सुल्टा किया ना, कृष्ण उठाया चक्र सुदर्शन चक्र खत्म। लेकिन हमारे श्री महाप्रभु इतने दयालु इतने कृपालु, मार खा करके भी नित्यानंद प्रभु को जगाई बताई, सर फोड़ दिए, खून की धारा बह रही है, इतने में महाप्रभु चक्र चक्र को बुला लिए, इनको समाप्त कर दूंगा। लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का चरण में गिर पड़े, बोले प्रभु आप तो इसी अवतार में प्रतिज्ञा किए हो जान से किसको मारोगे नहीं, इसलिए आप दोनों को उद्धार कर दो। ये इतनी करुणा इतने दयालु, ये मार खार करके भी वो प्रेम देने वाले और चैतन्य महाप्रभु, इसलिए बड़े दयालु हुए, बड़े कृपालु हुए हैं, बड़े दयालु। बोले भैया वो तो वही कृष्ण वही राम महाप्रभु का रूप में आए, इतने दयालु कर कैसे बन गए? बोले इसलिए दयालु बने क्योंकि वो राधा जी की भाव
अंग कांति लेकर के आए और हमारे जो राधा रानी ना ये करुणा करुमयी करुणा भरिते राधा रानी बड़ी दयालु इसलिए वृंदावन में जाओ ना इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं क्या बोलते हैं जोर से बोलो और जोर से और जोर से इसलिए वृंदावन श्री सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेती हैं इसलिए कलयुग में वही कृष्ण वही टेढ़े टांग वाले वही राधा जी की भाव लेकर के आए ना इसलिए बताओ राम तो मारे भैया सीता किसको मारी कृष्ण से मारे राधा रानी किसको मारे किसी को राधा रानी नहीं मारे इसलिए कलयुग में महाप्रभु रूप में आए इनके नाम लेने से सारे अपराध हमारी खत्म हो जाता है इनके नाम लेने से भगवान महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नाम ग्रहण करो सारे अपराध खत्म हो जाते हैं इसलिए हम क्या कहते हैं निताई गौरंग जय निताई गौरंग 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 निताई 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 गौरंग निताई 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 गौरंग निताई गौरंग जय महाप्रभु का भैया का नाम क्या था मतलब सचिमा जय सचिनंदन सचिनंदन क्यों नाम लेते हैं देखना मैया की वो अगर बेटे में आए ना वो बेटे को बड़े सौभाग्यवान मानते हैं अगर पिताजी का हैं कहते भैया कहते पिताजी का गुण अगर बेटी में आए वो बेटी को सौभाग्यवान मानते हैं है? ये नियम है जगत का अगर पिताजी की जो चेहरा अगर बेटी में आए और माँ की चेहरा अगर बेटे में आए वो बेटे को सौभाग्यवान मानते हैं इसलिए जब सच्ची नंदन हम बोलते हैं ये सच्ची मैया ये यशोदा से भी ज्यादा दयालु जैसे कृष्ण ने मटकी फोड़े मैया यशोदा ने क्या किया हम आगे सुनेंगे उखल में बांधे लेकिन जब महाप्रभु एक समय बड़ा क्रोध दिखाया बचपन में जब वो आए स्कूल से बोले मैया गंगा की पूजा के लिए हमें सामान दो थोड़ी सी लेट हो गया ना महाप्रभु ने तो मटकी फटकी फोड़ भांग रेखा कर दी लेकिन मैया यशोदा ने कुछ मैया सची ने कुछ भी नहीं बोली एक कोड़े में चुपचाप रही बाद में समझाए बेटा तुमने जो मटकी भिड़ी फोड़ दी किसकी हानि हानि तो हमारी हुई ना इसलिए बेटा ऐसे नहीं करनी चाहिए ये मैया यशोदा से भी ज्यादा दयालु सच्ची मैया इसलिए बोले जय सच्ची नंदन गौर हरि गौरहरि महाप्रभु इसलिए माँ के साथ में इनका नाम की जोड़ने पर महाप्रभु का अंदर में दयालुता आता है कृपालुता इसलिए कहते हैं जय सच्ची नंदन गौर हरि बोले जय सच्ची नंदन जय गौर हरि 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 जय सच्ची नंदन जय Hari 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 Hari
श्री प्रभुपाद की जय जय श्री राधे। अभी जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुनाए, कथा सुनकर के श्री परीक्षित महाराज भूर भूव मोहजन सत्यलोक को पार करते हुए प्रभु के पास में चले गए। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तराज लेकर के मापे भागवत का सारे महिमा एक तरफ में और दुनिया की जितने दान पुण्य था एक तरफ में रख दिया, लेकिन ये कथा भी इतने महत्व दिखा वो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रही, लेकिन भागवत की जो महिमा वो तो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रही और जितने पुण्य था सब हल्का होकर ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी को पता चला भागवत कथा को सामने हम किसी को भी बराबर नहीं कर सकते हैं। बोले भैया ब्रह्मलोक में नित्य निरंतर कथा चलनी चाहिए। एक दिन नारद जी मर्त्य जगत को पुण्य भूमि मान करके आए, लेकिन कलयुग सब जगह में अपना अधिकार लगा करके बैठा हुआ। इन्होंने जब भ्रमण करते करते उन्होंने पहुंचे श्री यमुना किनारा में, देखा भक्ति देवी के दर्शन हुई, दोनों बच्चे वृद्ध बने हुए थे, इसलिए तब उन्होंने बोले ये कौन है? बोले मैं तो भक्ति हूँ, ये मेरे दो बच्चे ज्ञान और वैराग्य हैं। जगत का नियम होता है मैया होती है जवानी, मैया होती है बूढ़ी और बच्चे होते हैं जवानी, लेकिन मेरे दुख तो देखो सही, मैया तो जवानी मेरे बच्चे दोनों बूढ़े हो गए। बोले कोई चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे को हम जवानी तो प्रदान करेंगे। भक्ति बोली बोली फिर तो मैं तुम्हारी हृदय छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। उन्होंने प्रश्न की लेकिन कोई सही सही उत्तर नहीं दे पाए। से मिले बोले चिंता मत करो, इनको भागवत कथा सुनाओ। फिर उन्होंने हरिद्वार में जब उन्होंने भागवत ज्ञान वैराग्य जवानी हो गए, नाच उठे। देखो इसका मतलब समझ लो, बोले भक्ति के दो बेटे हैं, कौन है? ज्ञान वैराग्य। लेकिन चैतन्य चैतन्य गोस्वामी कहते अच्छे तरह चीज को समझो, कहते हैं ज्ञान वैराग्य से भगवान नहीं मिलते, राम ही केवल प्यार प्रेम प्यारा, ठाकुर तो केवल प्रेम से मिलते ज्ञान वैराग्य से नहीं मिलते। कहते भक्ति के दो बेटे कैसे हो? कहते ये जो ज्ञान है ना है, ये ज्ञान एक ज्ञान होता है जो लोग ब्रह्म में मिलना चाहते, ब्रह्म में है तत्व पदार्थ तम पदार्थ, ये दो ज्ञान ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान की बात बताए श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते तीन तरह के भक्त है, कितने तरह के? कनिष्ठ मध्यम और उत्तम। बोले ये उत्तम भक्त कौन है? बोले उत्तम भक्त हुए हैं स्वयं अंदर में जो भक्ति ज्ञान परिपूर्ण में दूसरों को भी भगवत भक्ति में जो लगा दे। कहते मध्यम भक्त कौन है? कहते अपना भक्ति तो ठीक ठाक कर लेते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं पाते हैं। बोले कनिष्ठ भक्त कौन है? बोले भैया जिसकी भक्ति बड़ा डामाडोलसा है, कभी इच्छा हुआ माला कर लिया, भजन कर लिया, नहीं तो माला जहां था लटक रहा है, जिसकी भक्ति बड़ी डामाडोल भक्ति है ना, कहते कनिष्ठ भक्त। उत्तम भक्त कौन है? जिनको भक्ति की ज्ञान, भक्ति ज्ञान मतलब ये प्रेम युक्त भक्ति ज्ञान, जिनको पूर्ण परिपूर्णतम रूप में है, स्वयं जो भक्ति को अच्छे तरह से कर ले, दूसरों को भी समझा करके दूसरों को भी भक्ति में लगा दे। इसलिए यहाँ जो ज्ञान बताया ये भक्ति युक्त ज्ञान। जो वैराग्य शब्द है ये तो वैराग्य भी चार तरह का, एक मर्कट वैराग, एक फल्गु वैराग, एक प्रसव वैराग, एक स्मशान वैराग, एक चुप्त वैराग। ये तो भैया स्मशान वैराग का मतलब आप देखना, जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ दे ना, जो जलाने के लिए ले जाते है ना, थोड़ी समय के लिए हृदय में वैराग जाता, भैया संसार में कुछ भी नहीं, क्या लेकर गया, सब छोड़ कर गया, डंडे मार मार खोपड़ी को है मार मार जला दिया। अभी अब लेते समय क्या बोलते बोलते गए? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। भैया बेटा जगत में सब झूठा है, सत्य केवल राम और कृष्ण का नाम। और प्रतिज्ञा करते घर में जाकर ना स्त्री से बात नहीं करूंगा, बच्चे से कुछ नहीं करूंगा, अब तो राम नाम कृष्ण नाम करूंगा। लेकिन जब घर में आ जाए, छोटा बेटा जब पापा पापा करके गोद में चढ़ जाए, जब बीवी मीठी मीठी दो बोली बोलते वहां सारे वैराग्य खत्म है। इसलिए दूसरा वैराग्य मरकट, मरकट और बंदर, अब देना बंदर का घर नहीं, खाने पीने का कुछ नहीं, नंगा रहता है, लेकिन इतना कामी जो सोच नहीं सकता हो, वृंदावन में तो चशा भी नहीं जा सकते हो, कोई भी फल लेकर नहीं जा सकते, सब रास्ता से छीन लेते हैं, इतने बड़े उत्पाद करते हैं,
वृंदावन में बड़े भोगी नहीं वैराग्य ऊपर से दिखाते हैं लेकिन अंदर में भोगी, इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। तीसरा वैराग्य है फल्गु। फल्गु एक नदी होती है, आप ऊपर देखोगे जैसे पूरा सूखा सूखा लेकिन थोड़ी सी मिट्टी हटा हो ना अंदर में देखोगे पानी पानी, मतलब ऊपर में तो वैराग्य दिखाते लेकिन अंदर में महाकामी क्रोधी है। तीसरा चौथा वैराग्य प्रसव। प्रसव वैराग्य मतलब जैसे माताएं जब बच्चों को जन्म देती है, आपको पता होगा कितना प्रसव पीड़ा है, कितने कष्ट होता है, उसको बाद में सोचता भैया और संसार में और संसार में, लेकिन जब बच्चे का मुंह देख लेते हैं ना दो चार दिन में फिर भूल जाता है, फिर बच्चे को गर्भ में धारण करती है, इसको प्रसव वैराग्य कहते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं भैया युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब ये सही है, जितने शरीर के लिए तुम्हारी जरूरत उतना ग्रहण करो, जितने शरीर को आच्छादन करने के लिए कपड़ा चाहिए उतना आच्छादन करो, लेकिन जब कोई कपड़ा ग्रहण करो ठाकुर जी के चरण में स्पर्श करा के ठाकुर को प्रसाद रूप में जो कुछ भोजन करो पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ तुलसी पत्ता से, उनको प्रसाद रूप में रहने के लिए घर है, अपना घर को ठाकुर का मंदिर मानो, बच्चों को भी ठाकुर का संतान मानो, पत्नी को क्या मानो, मैं कृष्ण दास हूँ जो केवल कृष्ण सुख के लिए गुरु वैष्णव के सुख के लिए जिसका घर है वो घर नहीं वही वृंदावन धाम है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जेति न गृहे भजन देखी गृह तो लोक भाए, जिसी घर में ठाकुर का सेवा पूजा परिवार कृष्ण भक्ति करते हो घर नहीं वही वृंदावन धाम है, वही वृंदावन धाम है, अपना घर को वृंदावन बनाओ है। इसलिए युक्त वैराग्य कभी दोनों भगवान के चरण छापे, भगवान का वरदान है यहाँ पर आकर के उपभोजों के लिए एक बार पिंड तो मुक्ति मिल जाएगी लेकिन उसको नाम पर पिंड देकर तेरा फिर भूत बना हुआ, बोले भैया मैंने इतने पाप किया मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दोगे ना मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, लेकिन इतने बड़े पापी को मुक्ति कैसे मिली केवल भगवत कथा से। केवल भागवत कथा मतलब क्या है, अगर ये भागवत कथा को अगर सही सही कोई श्रवण करे ना फिर क्या क्या होगा, हम जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो हम लोग हमारे भी कल्याण हो जाने वाले, हमें भी सदगति की प्राप्ति होगी। कितने महिमा श्रीमद भागवत कथा की। हाँ देखो अभी हम कथा को विश्राम देंगे, हमारा 20 मिनट छोटा बच्चा वो थोड़ी सी कथा सुनाएगा, 5:30 बजे अंदर में हम कथा विश्राम कर देंगे। और देखो हमारे देखो ये महाराज बैठे ना चलो भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी वो कहते थे, देखो ध्यान देकर सुनो, ये कहते थे जो कथा सुनते हो जब दूसरा बार आप लोग आओ ना अकेले बताओ क्या करो, कम से कम एक एक व्यक्ति कितने कितने व्यक्ति को लाभ, 10-10 व्यक्ति कितने कितने वो कहते थे जैसे जो शराब पिए अगर उसको शराब तो शराब पियो क्या करता है दूसरों को शराब ही बना देता है, अगर जिसको गंदे रात मास्ता पे नहीं जाओगे ना पाप तुम्हें लगेगा है। अगर किसी व्यक्ति को भगवान की भक्ति मिले वो कहते थे अगर एक व्यक्ति को किसी ना किसी तरह से भगवान की भक्ति में लगा दो कहते करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल कोई बोल दे, करोड़ों करोड़ों अन्न छत्र, करोड़ों करोड़ों स्कूल कॉलेज कोई बोल दे, लेकिन उसमें जो पुण्य मिलेगी अगर एक व्यक्ति को अगर प्रभु की भजन में लगा दिया उससे करोड़ों गुण ज्यादा पुण्य मिलेगी ये महाराज कहते थे। इसलिए दूसरा एक व्यक्ति को अगर आप कथा में ले आओगे ना कहते थे उनको लाने पर उनको जो पुण्य मिलेगी भक्ति उसका आधा भक्ति लाने वाले व्यक्ति को उसकी आधा पुण्य मिल जाएगी, कितने महिमा कथा मिलाने का। इसलिए कल आप लोग कितने कितने भक्त मिला मेरे को दिखा ना, कोशिश करना कोशिश कहीं अगर गोल गप्पे खाते है ना बढ़िया गोल गप्पे बोले चलो वहाँ पर बढ़िया गोल गप्पे वहाँ बढ़िया पता मिलता है, ठीक है कोशिश करना हाँ कोशिश करना लेकर के साथ में अड़ोसी पड़ोसी सब लेकर जाना, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरे बोलो ओम ज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, हरे कृष्णे तुच्छै स्फुरित रसनो नाम गणना कृतग्रंथी श्रेणी सुभग कटि सूत्रोज्वल करह
विशालाक्ष उदीर्घार गल युगल खेलांचित भुजौ सचैतन्य किं मे पुनरपि दृश्योर्यास्ति पदम। सभी को हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थोड़ा माइक ऊपर करो। भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीन बंधु पतित पावन प्रियतम परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय निखिल हेय प्रत्यनीक भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा से मानव जीवन का उत्कृष्टोत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोग इस दिव्य इस भगवान के दिव्य मंदिर में श्री महाराज जी श्री सद्गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण करने का हम लोगों को सत्सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव को के चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद श्री रूपा जी के चरणारविंदों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव विद्युत वरिण्य जन जिनके सौभाग्य की वर्णना आज स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको स्वयं श्री भगवान की दिव्य प्रिया कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस आप सभी लोगों के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। देखो आज हम लोग यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं, एक कथा श्रीमद् भागवत जी है और इसकी महिमा अपार है। श्री सद्गुरुदेव के मुखारविंद से आप लोगों ने अभी श्रवण कर ही लिया है। देखो राधा तापनीय उपनिषद हुआ है, उसके अंदर स्वयं भगवान श्री हरि कह रहे हैं लक्ष्मी जी से, सुन लक्ष्मी अस्य लोकस्य महात्म्यम अहम् वक्तुम् अशक्तश्च, ब्रह्मलोके स्थिता रुद्रलोके स्थिता तेपि मम लीला न जानन्ति, अन्ये मम भक्ता बहवः सन्ति पर तेपि मम लीला न जानन्ति, केवलं राधिका पदरसे मनोमज्जतु तेपि जानन्ति नान्ये। हे लक्ष्मी, मेरे गुण लोक रूप की जो लीला है, जो कृष्ण राधा की दिव्य लीला है, उसको ब्रह्मा जी भी नहीं जानते हैं, तो फिर शंकर जी बोले नहीं शिव जी भी नहीं जानते हैं, तो अन्ने मम भक्ता बहवः सन्ति, मेरे बहुत सारे भक्त हैं, क्या वो जानते हैं? बोले नहीं जानते। तेपि मम लीला न जानन्ति, तो फिर कौन जानता है? केवलम राधिका पदरसे मनोमज्जतु तेपि जानन्ति नान्ये। जिनके ऊपर श्री राधा रानी दिव्य कृपा करती हैं, जिनके ऊपर श्री राधा रानी की दिव्य कृपा का प्रसाद होता है, राधा रानी अपने दिव्य दिव्य कोमल नेत्रों से अपने नेत्रपात दृष्टिपात करती हैं, केवल वही जान सकते हैं नान्ये, और कोई नहीं जान सकता। सुखदेव जी का नाम अभी आप लोगों ने सुनाई है, जिन्होंने भागवत जी को कहा है परीक्षित जी के सामने, ये साधारण नहीं है। गाढ़ा अनुराग भरे निर्भर भंगुराय कृष्णेति नाम मधुरम मृदु पाठयन्त्य धिम्मा मदन्ते मदि चंचल जाति दोषात यह राधा करार गुरु रुचित कचस्तु दोषने। श्री राधा रानी ने निकुंज के एक एक पर्दे को खोला है और सुखदेव जी को दिखाया है, एक एक लीला बताई है, तब जाकर के सुखदेव जी भागवत जी के विषय में कुछ कह पाए हैं। ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा है। देखो आप लोगों को एक बात बताऊं, हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? ताकि हमारे हृदय में भक्ति आए, हमें राधा कृष्ण से प्रेम होए, हमें उनके प्यारे संतों से प्रेम हो। लेकिन प्रेम कैसे होवेगा? एकमात्र कोई कहता है क्या दानेन प्रेम भवति, क्या दान से प्रेम होवेगा? नहीं, दान से यज्ञ से तप से अनुष्ठान से तीर्थाटन से बड़े बड़े इधर उधर के बड़े बड़े अनुष्ठानों से प्रेम नहीं होवेगा। भगवान राधा माधव से यदि प्रेम होवेगा तो उनकी कथा को श्रवण करने से ही होवेगा। हनुमान जी के दिव्य हनुमान जी के हृदय में श्री सीताराम जी है, क्यों? क्योंकि प्रभु चरित सुनी बेको रसिया, जय जय सीता राम हरे, हा राम लखन सीता।
आप लोग सोचेंगे वही भागवत है, वापस से वही सुननी है, वही तो कथा है, पर ऐसा नहीं है। कथा तो वही है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि वही कथा है, जो ऊब जाते हैं इस कथा से, उन्होंने उस रस का आस्वादन नहीं किया। राम चरित जे सुनत अगाही, जय जय सीता राम हरे, रस विशेष जाना तिन नाही, जय जय सीता राम हरे। राम चरित जे सुनत अगाही, जो प्रभु के चरित्र को सुनकर के बोर हो जाते हैं, अगा जाते हैं, उन्होंने अभी तक उस रस का आस्वादन नहीं किया है। ये रस क्या है? ये कथा का रस कहां से आया है? कथा का रस श्रीधाम वृंदावन से आया है। संत गाते हैं ना, कथा को रस वृंदावन सो आयो, कथा को रस वृंदावन सो आयो, अरे सुखदेव परीक्षित ही गायो, सुखदेव परीक्षित ही गायो, कथा को रस वृंदावन सो आयो, कथा को रस वृंदावन सो आयो। श्री वृंदावन से आया है। वृंदावन के एक पेड़ के ऊपर शुक और शारी बैठे थे। शुक तोता और शारी दोनों बैठे थे, दोनों श्री राधा कृष्ण की लीला का अवलोकन कर रहे थे। शुक बोले हमारा कृष्ण मदन मोहन, शुक कहते हैं हमारे कृष्ण को देखो वो तो मदन मोहन है, और तुम्हारी राधा रानी। शारी कहते हैं अच्छा वो मदन मोहन क्यों है जानते हो? शारी बोले हमारे राधा बामी चतखन नहीं ले की कोरे मोहन। शारी कहती है हमारी राधा रानी उनके बगल में है ना, वामंग में, इसीलिए वे मदन मोहन है, वरना श्री कृष्ण कुछ भी नहीं है। देखो ये भेद नहीं है, ये तो प्रेम है। फिर शुक कहते हैं, शुक बोले हमारे कृष्णेर बाशी कोरे गान। शुक कहते हैं हमारे कृष्ण तो बंसी बजाते हैं, बंसी में गाते हैं। तो शारी कहती है पहले देख तो लो कि क्या गाते हैं। शारी बोले वंशी में बोले राधा नाम। शारी कहते हैं वंशी में राधा रानी का नाम गाते हैं, याले मीठा से गान, इसीलिए तो मीठा है। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, और कोटिन रूप धरे मन मोहन कौन पावे पार। रूप रस की छबीली ठकुरानी लागे, ठकुरानी लागे, खाने खालो खालो जमुना पियो पानी लागे, मीठे रस से भरो लीला ठकुरानी लागे, महारानी लागे, खाने खालो खालो जमुना पियो पानी लागे। आप लोग सभी प्रत्येक दिवस भगवान की कथा को श्रवण करने का सत्सौभाग्य प्राप्त कीजिए, और समय पर आइए कथा को श्रवण कीजिए। भगवान आपका नित्य प्रति मंगल करें, ऐसी गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधेश। अब लोग ताली को ही मिल जाएंगे, ताली बजाने पड़े ना, जो बोलते हैं उनको लगता है भैया सब लोग खुश हुए। खुश हुए कि नहीं? बहुत खुश है। अच्छा अभी ठाकुर जी आरती और प्रभु के भजन गाएंगे, इस भजन के बाद में फिर ठाकुर जी की आरती, फिर आप लोग यहाँ से प्राप्त प्रसाद लेकर ले जाना, सबके सब 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 खड़ी हो जाए। हाँ भजन आरती कर ले, आप लोग एक भजन सुनोगे ना, आरती करके चल जाओ, भजन सुनोगे फिर एक भजन सुनो, फिर आरती प्रसाद ले जाओ। तेरे नाम की ओर चुनरिया, सब खड़े हो जाओ नाचना सब, चलो प्रभु को नाचूं बीच बजा। अब लोग सुन कर के आए थे यहाँ के भक्त खूब नाचते हैं, लेकिन पिता क्यों नाच नहीं रहे? सब चुप चाप खड़े हो जाओ, सब जाओ। ऐसी हाल हो गई मेरी सांवरिया के बार, ऐसी हाल हो गई मेरी सांवरिया।
दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है दुनिया सारी, इन मतलब ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के कारण, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के कारण।
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा श्री बांके बिहारी I'm